हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। बच्चों एक बार मुझे ये बता दीजिए मेरी आवाज आ रही है आप सभी को, क्योंकि मुझे लगता है शायद आपकी ये वाली क्लास शाम के लिए पोस्टपोन करनी पड़ेगी, बिकॉज माइक बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। अभी भी लैपटॉप के साथ चार्ज पे लगा करके कनेक्ट कर रखा है और कहीं ना कहीं वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी। एक बार कन्फर्म कर दीजिए बच्चों, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए थे, बट पता चला माइक चार्ज ही नहीं था। आवाज ठीक से आ रही है क्या? वॉइस आ रही है सभी को मेरी? मिसमैच तो नहीं हो रही ना आवाज? ठीक है, क्योंकि अभी भी देखो ये कनेक्ट किया हुआ है लैपटॉप के साथ, माइक निकालते ही बिल्कुल आवाज खत्म हो जाती है। अगर मैं इसे बाहर निकाल लेता हूं, अभी आ रही है क्या आवाज? एक बार बताइए अभी आवाज आ रही है मेरी? हो सकता है, देखते हैं करके बेटा, अगर चल जाता है तो थोड़ा सा चार्ज हो गया, वैसे मैं ट्राई करके देखता हूँ। अभी देखिए आवाज चल रही है सही। चलिए जितना हो पाता है क्लास कवर करते हैं, बाकी शाम को भी कर लेंगे अगर पूरा नहीं हो पाया तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऑप्शन के साथ क्वेश्चन लाए हैं और जेई वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं। आज के सेशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जेई वाले हैं, ठीक है। जब तक क्लास हो रही है, माइक जितना दम देता है तब तक चलते हैं क्लास को लेके आगे, बाकी शाम को भी कर लेंगे अगर बच गया इसका पार्ट तो। यानी आज हमें ये वेन डायग्राम पूरा कवर करना है, तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास को आगे मूव कर लेते हैं। वेन डायग्राम पढ़ रहे थे बच्चों, और वेन डायग्राम का आज ये पार्ट सेकेंड है, ठीक है। अभी पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। जितना देखते हैं कितनी देर चल पाता है माइक, जब तक चलेगा तब तक क्लास कर लेते हैं। हाँ वॉइस आ रही है, ठीक है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा दूसरा पार्ट है वेन डायग्राम का। इससे पहले पार्ट में हमने क्या किया था? हमने ये समझ लिया था वेन डायग्राम में जो हमारे रिश्ते बनते हैं बेटा, वो तीन प्रकार के बनते हैं। एक तो होता है सभी का रिश्ता, दूसरा बनता है कुछ का रिश्ता, और तीसरा होता है इसमें कोई नहीं का रिश्ता, ठीक है। सबसे पहले आपको समझाया था सभी का रिश्ता। सभी के रिश्ते में क्या बताया था? सभी का रिश्ता बेटा एक ओर से ही बनता है, एक ही ओर से बनता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था आम और फल, तो यहाँ क्या बताया था कि जितने भी आम होते हैं बेटा सभी आम फल होते हैं, लेकिन सभी फल आम नहीं होते, सभी फल आम नहीं होते, यानी एक ही तरफ से बनता है ये रिश्ता। आम को अंदर रखेंगे सभी आम क्या हो गए? फल हो गए, फल, ठीक है। लेकिन हम इसका उल्टा नहीं बना सकते, सभी फल को आम नहीं कह सकते, क्योंकि फल में तो और भी आ जाएंगे आपके, अमरूद हो गए आपके, है ना, सेब हो गए आपके। चलिए बहुत अच्छे, आगे देखिए। ये समझ लिया था सभी का रिश्ता। दूसरा हमने यहाँ से बेटा कुछ का रिश्ता समझा था। कुछ का रिश्ता, कुछ का रिश्ता दोनों ओर से बनता है, ये पढ़ा चुके हैं, बस रिवाइज कर रहे हैं एक बार टॉपिक्स को। कुछ का रिश्ता क्या होता है? दोनों ओर से बनता है। जैसे हमने लिया खिलाड़ी और विद्यार्थी, तो बेटा कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे जो विद्यार्थी हैं, या दूसरे शब्दों में ये कहें कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं, मतलब ये दोनों तरफ से बन सकता है। और इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनता है, ठीक है। इसमें बीच में कॉमन पार्ट रहता है दोनों का। आगे आता है कोई नहीं का रिश्ता। कोई नहीं का रिश्ता बेटा किसी भी ओर से नहीं बनता, दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे पंखा और किताब, तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, तो इनके अलग अलग बना दिए डायग्राम। तो ये हमारे तीन तो बेटा मेन रिश्ता थे, ठीक है। इसके बाद हम रूल सीख रहे थे, नियम, और नियम में हमने पिछले लेक्चर में छह नियम कवर किए थे, अब ये सातवां नियम है। जस्ट तीन नियम और जल्दी से देख लो आप, इन्हें खत्म करने के बाद सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। हालांकि नियम आपको रटने नहीं है किसी को भी, सिर्फ अपने नोट्स में लिख लेना, ताकि आप जब रिवीजन करें वेन डायग्राम में तो आपको ये समझ आ सके कितने टाइप के वेन डायग्राम बन सकते हैं। तो यहाँ पर सातवां नियम है, छह कर चुके थे पिछले लेक्चर में। सातवां नियम है, यदि प्रश्न में प्रथम समूह दूसरे समूह के अंदर आता है, यानी एक तो ग्रुप आपका बेटा दूसरे के अंदर आ जाएगा, और कह रहा जबकि तीसरा समूह केवल दूसरे समूह से कुछ का रिश्ता बनाता हो, जबकि पहले समूह से तीसरे समूह का कोई रिश्ता ना हो, ठीक है। चलिए देखिए सामने, इसमें क्या करेंगे, पिता और पुत्र दे दिया, तो बेटा पिता पुत्र और बच्चे, बेटा पिता पुत्र नहीं होगा, पुरुष होना चाहिए यहाँ पर, बच्चे पुत्र नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, पुरुष। इसको हटा देते हैं, पुरुष कर लीजिएगा, ये गलत लिख गया मिस्टेक से, यहाँ क्या आना चाहिए, पुरुष, ठीक है, पुरुष। अब ठीक है, अब ठीक है बच्चे, अब इसका आंसर करेंगे आप। देखिए सबसे पहले आपने क्या लिया, पिता, तो बेटा सभी पिता जो होते हैं पुरुष होते हैं, यानी पिता मेल होते हैं ना सभी, तो पिता आ जाएंगे सभी किसके अंदर, पुरुष के अंदर। अब बात करें बच्चे, बेटा बच्चे, तो यहाँ क्या बोला था, यही बोला था ना,
प्रथम समूह दूसरे समूह के अंदर आता है, पहला समूह आ गया दूसरे के अंदर, जबकि जो तीसरा समूह है बेटा, तीसरा समूह दूसरे समूह के साथ कुछ का रिश्ता रखेगा, पहले के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा। तो केवल ये बच्चे क्या होंगे बेटा, बच्चे आपके बच्चे में लड़की भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं, मतलब मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी। तो यानी कि कुछ मेल हो सकते हैं बच्चों में, बच्चों में कुछ मेल हो सकते हैं, लेकिन बच्चे का पिता से कोई संबंध नहीं, पिता अलग है बच्चे अलग है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यह बनेगा, पिता आ गया पुरुष के अंदर और बच्चों का पुरुष से संबंध हो गया, यानी इतने वाले जो बच्चे बेटा ये मेल में आते हैं मेल में, बाकी इधर वाले फीमेल में हो गई। समझ पा रहे हैं सभी, समझ पा रहे बेटा, क्लियर है सभी को, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मांग रहे हैं बच्चे, डाउट के लिए पूछ लीजिएगा, लो लिख दिए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नियम देखते हैं, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट नियम देखेंगे, ये समझ गए। अगला देखिए आठवां, आठवां नियम है, यदि प्रश्न में पहले समूह का दूसरे समूह से कोई रिश्ता ना हो, जबकि तीसरे समूह का इन दोनों समूह से कुछ का रिश्ता हो, मतलब पहले दूसरे का कोई रिश्ता ना हो और तीसरे वाले का दोनों से कुछ का रिश्ता हो। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ वस्त्र लिखा है या फूल लिखा है, तो बेटा वस्त्र का और फूल का कोई संबंध नहीं है आपस में, वस्त्र अलग चीज हो गई और बेटा वस्त्र जो है ये अलग हो गए, वस्त्र क्या है, वस्त्र अलग है ये वाले। इसके अलावा जो फूल है बच्चे, फूल जो है ये फूल अलग हो गया फूल, ठीक है। लेकिन जो सफेद है, कुछ वस्त्र सफेद हो सकते हैं, ऐसे कुछ फूल भी आपके सफेद हो सकते हैं। तो तीसरा वाला इन दोनों के साथ कुछ का संबंध रखेगा, कुछ का इस प्रकार से, यानी सफेद जो है इन दोनों के साथ कुछ का रिश्ता रख रहा है। तो यही हमने नियम में लिखा है, क्या पहला और दूसरा समूह आपस में कोई संबंध नहीं रखता, जबकि जो तीसरा समूह है ये दोनों के साथ कुछ का रिश्ता रखता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे जल्दी से चलते हैं, क्वेश्चन आएंगे आपके। अब आठ हो गए, नवा नियम देखिए, नवा है, यदि प्रश्न में तीनों समूह का आपस में कुछ का रिश्ता हो, तीनों समूह का आपस में कुछ का रिश्ता हो, जैसे लड़के विद्यार्थी खिलाड़ी, यानी कुछ लड़के बेटा विद्यार्थी भी हो सकते हैं, कुछ लड़के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, या ये कह दीजिए कुछ विद्यार्थी लड़के हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी खिलाड़ी, यानी ये तीनों आपस में कुछ का संबंध रखते हैं, तो कैसे बनाएंगे, आपने लिया पहले लड़के, ले लिया लड़के, ठीक है, ये हो गया लड़के वाला ग्राफ, ये किसका हो गया बच्चे, ये लड़के वाला ग्राफ हो गया। आगे फिर इसके साथ कुछ का संबंध रखते हुए आपने यहाँ ले लिया खिलाड़ी, खिलाड़ी ले लिया या विद्यार्थी ले लिया, क्या ले लिया बच्चे यहाँ पर, विद्यार्थी ले लिया, विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी। और इन दोनों के साथ कुछ का संबंध लेते हुए यहाँ पर तीसरा यहाँ खिलाड़ी ले लिया, यानी तीनों आपस में बेटा क्या करेंगे, कुछ का संबंध रखेंगे, तीनों कुछ का, इस तरह का ग्राफ बनेगा, कैसा, ये और ये, इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा इस केस में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चे, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल से सीखते हैं दसवां, और ये लास्ट नियम है, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जल्दी देखिए सामने, इसमें क्या बोला है, यदि प्रश्न में प्रथम समूह का संबंध दूसरे समूह से कुछ के रूप में हो, यानी पहला दूसरे के साथ कुछ का संबंध रखता है और तीसरा समूह इन दोनों से बिल्कुल अलग है, जैसे विद्यार्थी और खिलाड़ी, बेटा विद्यार्थी और खिलाड़ी में कुछ का संबंध होगा, यानी कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं, या ये कहें कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकते हैं, यानी हो गए विद्यार्थी, इसके साथ कुछ का संबंध आएगा खिलाड़ी का, खिलाड़ी का कुछ का संबंध आएगा बेटा इसके साथ खिलाड़ी, ठीक है। लेकिन जो भारत है ये एक देश के बारे में बता रहा है, ये अलग हो जाएगा पूरी तरह, यहाँ पर ये अलग आ गया, तो ये वाला बनेगा ग्राफ, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ ना, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब बेटा सभी को रिप्लाई करना, ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वे भी रिप्लाई करेंगे सामने देख करके। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, जो नियम हमने समझाए ना, इनको रटना नहीं है, इनको सिर्फ नोट्स में लिख लेना, ताकि जब आप रिविजन करें तो आपको ये एहसास हो जाए किस किस तरह के वेन डायग्राम बन सकते हैं और आप क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है। नोट्स कंप्लीट करने के लिए थे नियम, बाकी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आ जाइए और रिप्लाई कीजिए सभी बच्चे। हाँ भाई बोल रहे, सही बोल रहे पांडे जी आप, सभी प्रश्न वही है, पांच रूल तक केवल घुमाया गया है, बिल्कुल बेटा वही है सब कुछ। इनको कीजिए बेटा, इनको कीजिए सॉल्व, ये दिख रहा है, और जूम करें, और जूम करें थोड़ा सा। चलिए अब देखिए आप कीजिए बेटा, अब कीजिए ना, क्वेश्चन बोला है क्या, बोला है निम्नलिखित तत्वों को दिए गए किसी ना किसी आरेख में फिट बैठाया जा सकता है, उसका चयन करें। कमल दिया है, कमल
फूल और गुलाब, तीन चीजें, कमल, फूल और गुलाब। ऑप्शन बताइए बेटा, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन है आपके सामने, आपको कमल के अंदर आएगा ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन से बोलिए बेटा। पहले का क्या है? बीएसएफ का बैच बना दीजिए बच्चे। अभी जो हमारे ऑफलाइन सेंटर चल रहा है ना, उसमें जो हमारे नॉन टेक वाले सर है ना, उनसे बात चल रही है हमारी। जैसे ही वो आ जाते हैं नॉन टेक, अभी पेट की तैयारी करा रहे हैं ऑफलाइन में एक्चुअली, वहाँ पेट वाला एग्जाम एक बार हो जाए, उसके बाद जो हमारी नॉन टेक की फैकल्टी है ना, जिसमें जीके जीएस वाले सर हैं, वो भी आ जाएंगे एक बार ऑनलाइन जीटेक वाली पर, उसके बाद आपके बैच बना देंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के। ठीक है, पहले का सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए कमल और फूल और गुलाब, बेटा जो फूल है ये फूल के अंदर आएंगे कमल और गुलाब दोनों, क्योंकि कमल का भी फूल होता है गुलाब का भी फूल होता है, यानी कि कमल हो गया, सपोज ये हो गया आपका फूल, ये हो गया बच्चे क्या फूल, अगर ये फूल है तो फूल के अंदर दोनों आ जाएंगे क्या क्या, कमल भी आ जाएगा, ये हो गया कमल और ये हो गया गुलाब, कमल और गुलाब दोनों आ जाएंगे बेटा। तो ऑप्शन कौन सा, सी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर कीजिए बच्चे, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। यस, कीजिए बच्चे इसका आंसर, इसका आंसर कीजिए, आपके सामने है त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। क्या लिखा है? त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करना, दूसरे का बताइए, दूसरे का बताइए बच्चे, दूसरे का क्या बोला? त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। ठीक है, बिल्कुल फास्ट करेंगे थोड़ा, कुछ क्वेश्चन करिए। देखिए बोला चतुर्भुज, जानते हैं आप सभी बेटा, आप रिप्लाई कीजिए, हम फास्ट चलेंगे। चतुर्भुज होता है चार भुजा वाला, और वर्ग भी चार भुजा वाला होता है, तो यहाँ पर वर्ग आ जाएगा चतुर्भुज के अंदर, क्योंकि चार भुजा का केवल वर्ग ही नहीं होता, इसके अलावा आयत भी हो सकते हैं, इसके अलावा आपका रोम्बस हो सकता है, समलंब चतुर्भुज, आपका समांतर चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के अंदर बहुत कुछ आ सकता है, यानी चतुर्भुज के अंदर वर्ग आएगा और जो त्रिभुज है ये अलग रहेगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। बेटा ए क्यों बता रहे हैं, दूसरे का डी आएगा, अरे इनमें संबंध है ना, चतुर्भुज चार भुजा को कहते हैं, अब चार भुजा कैसी भी हो सकती है, चार भुजा ये भी हो गई, चार भुजा आपकी ये भी होती है, चार भुजा इस तरह से, इसके अलावा चार भुजा ये भी होती है आपकी, तो चतुर्भुज में सब आ जाते हैं, ये भी होगी चार भुजा, यानी आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सब चतुर्भुज के ही तो भाग है, तो वर्ग आ जाएगा चतुर्भुज के अंदर, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ग हो गया, वर्ग ये बच्चे, वर्ग हो गया, वर्ग यहाँ पर, और ये जो है ये वाला क्या है, ये बेटा आपका, ये बेटा आपका चतुर्भुज है, चार भुजा वाला चतुर्भुज। ठीक है, और त्रिभुज बिल्कुल अलग रहेगा, त्रिभुज अलग रहेगा, इसीलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। आंसर सही से कीजिए बच्चे, ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी है आपको। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। आगे चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुत्ता, बिल्ली, जानवर। ये आपको पढ़ाया गया बच्चे, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, बताइए बच्चे, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, बोलिए कुत्ता, बिल्ली, जानवर, इसका कीजिए जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे सभी, तीसरे का। देखिए कुत्ता और बिल्ली दोनों बेटा जानवर के अंदर आएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, बेटा बताइए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जानवर के अंदर कुत्ता बिल्ली दोनों आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, तीसरे का ए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बस यही रिस्पॉन्स चाहिए, यही आपको बताना बेटा, तीसरे का ए, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मेरे पास कमेंट्स थोड़े से डिले होके आते हैं 30 सेकंड, इसलिए मुझे वेट करना पड़ता है 30 सेकंड का। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका रिप्लाई कीजिए, इसका रिप्लाई कीजिए, इसका रिप्लाई कीजिए। लिखा है यहाँ पर सोना, धातु, जिंक, बेटा सोना, धातु और जिंक, इसका रिप्लाई कीजिए चौथे क्वेश्चन का बच्चे, चौथे का आंसर कीजिए जल्दी से, चौथे क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे, बोलिए बेटा चौथे का क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर करते रहें, चौथे का बताइए, क्या बता रहे हैं चौथे का, चौथे का सी, वेरी गुड, यानी कि बेटा जो धातु होता है, धातु, धातु के अंदर दोनों आ जाएंगे, ये धातु हो गया, इसी के अंदर आ जाएगा सोना, बेटा सोना भी एक धातु होता है जिसे एयू कहते हैं। ठीक है, एयू, मैं यहाँ सोना लिख दे रहा हूँ, सिर्फ सोना, समझ गए, सोना, थोड़ा पतला कर ले पेन, यस, चलिए, और ये क्या हो जाएगा आपका, जिंक हो जाएगा, जिंक, तो बेटा जिंक और सोना दोनों ही धातु के अंदर आएंगे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो ये बहुत सिंपल वाले भी, जेई वाले तो आए भी नहीं है, ये यूपी पुलिस वगैरह में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, अभी जेई वाले क्वेश्चन इसके जस्ट बाद है, 5-6 क्वेश्चन सिंपल कर लो,
उसके बाद एसएससी जेई वाले क्वेश्चन आएंगे सीधे, उन्हें बताना बेटा, उन्हें बताना। चलिए पांचवे का कीजिए रिप्लाई, पांचवे का बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पांचवे का कीजिए बच्चे, पांचवे का। मैं सभी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, डाइस के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे नहीं हो पा रहे होंगे, वो इसीलिए नहीं हो रहे आपसे क्योंकि घन घनाभ एक अलग चैप्टर होता है, उसकी कुछ बुकों में घन घनाभ वाले क्वेश्चन डाइस में डाल रखे हैं, रंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं, तो आप इसलिए परेशान हो गए होंगे। बिल्कुल परेशान ना बेटा, डाइस के क्वेश्चन भी और भी सब क्वेश्चन, प्रैक्टिस बैच भी चलेगा, एक बार फाउंडेशन बैच कवर कर लेना ताकि हमें हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता रहे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहे, फिर तो प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं इसका बेटा, लोहा तांबा पीतल ऑप्शन है, बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि तीनों धातु है, तीनों अलग अलग है, लोहा अलग है, तांबा अलग है, पीतल अलग है, तीनों अलग है, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर यहीं पर लिख देता यहाँ पर कुछ पदार्थ लिख देता तो पदार्थ के अंदर तीनों आ जाते फिर, तो ये अलग अलग होंगे तीनों। बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे। एक और क्वेश्चन करो इसका, ये वाला बताइए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी बच्चे, इसका आंसर कीजिए जो आपके सामने लिखा हुआ है, कम ऑन कीजिए, इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर छह का आंसर कीजिए, हाँ पांच का ही हो गया, बहुत अच्छे। क्या छोड़ दिया डाइस के क्वेश्चन बच्चे, करा देंगे बाद में, कोई बात नहीं, अभी चैप्टर कवर कर लो, बहुत सारे चैप्टर, एक बार बैच पूरा कवर हो जाए फिर प्रैक्टिस बैच शुरू कर लेंगे, ठीक है। अरे रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको, जब जेई वाला बैच लॉन्च होगा ना, पूरी एक साल तक चलेगा, रीजनिंग भी, टेक्निकल भी, जीके जीएस भी, ठीक है, क्योंकि पूरा एक साल का कोर्स होता है। अगर ये वैसे मेनली रीजनिंग तीन महीने का रहता है, नेक्स्ट बुक बहुत डिटेल में कराओ तब भी, पूरे एक साल तक रीजनिंग पढ़ाएंगे आपके, 45 प्लस नंबर हम दिलवाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। फिलहाल अभी इस वाले जेई एग्जाम तक इसे कवर करा दें। आंसर बताइए, छठे का सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है बेटा, पहली चीज तो वस्त्र है, वस्त्र, अब बेटा वस्त्र के अंदर दोनों आएंगे, पतलून और कमीज, क्योंकि पतलून भी आपके वस्त्र होते हैं, कमीज भी, लेकिन पतलून और कमीज अलग अलग है दोनों, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट है बेटा इसका, क्योंकि कमीज, ओ सॉरी वस्त्र, वस्त्र के अंदर ये भी दोनों तरह के वस्त्र हैं, एक हो गया पतलून, पतलून एक अलग वस्त्र है बेटा, ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी कमीज है ये एक अलग वस्त्र हो गया, तो ये दो वस्त्र हैं जो वस्त्र के अंदर आ जाएंगे अलग अलग दोनों ये, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब आ जाइए अपने जेई वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, अब सीधे जेई वाले, जिस तरह के क्वेश्चन जेई में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है बेटा जेई एग्जाम्स में, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग रहेगा, ध्यान से आपको चीजों को समझना है और रिप्लाई करना है, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी सारे क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन काफी सारे हैं, आपको सभी क्वेश्चंस के वन बाई वन रिप्लाई देते चलना है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये, यानी लिखा है यहाँ पर नए क्वेश्चन है ये, एक से पांच तक, यानी क्वेश्चन नंबर एक से पांच तक यही वाला डायग्राम चलेगा। लिखा है निम्नलिखित आरेख में व्रत कॉलेज प्रोफेसर को, त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को और आयत मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शाता है, मतलब यहाँ पर तीन डायग्राम है, इनको मिक्स कर रखा है, ठीक है, समझ पा रहे बच्चे, दिख नहीं रहा, ये नहीं दिख रहा, और जूम करें, चलिए मैं पहले डायग्राम दिखा दूं फिर क्वेश्चन भी देख लेंगे, इससे ज्यादा जूम करने पर बच्चे मिट जाएगा क्वेश्चन, इससे ज्यादा जूम करने पर दिख नहीं पाएगा आपको। लीजिए पहले डायग्राम देख लीजिए, पहले डायग्राम देख लीजिए फिर क्वेश्चन दिखा देंगे, अब दिख रहा है, पहले डायग्राम देख लो, ऑप्शन बाद में दिख जाएंगे। हाँ बेटा जयविंदर, बिल्कुल जेई लेवल का पढ़ाते हैं, उसमें आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, पूरा जेई लेवल का चल रहा है, ठीक है। चलिए इसे बताइए, देखिए अब दिख रहा है ना, अब डायग्राम आपको दिखाते हैं, पहले डायग्राम को सुनिए ध्यान से, क्या क्या रखा है इसमें, बोला गया बच्चे जो व्रत है ना, व्रत वो कॉलेज प्रोफेसर को दर्शाता है, कोई और पेन यूज कर ले रहे हैं कलर का, यस, जो बेटा व्रत है, व्रत ये कॉलेज के प्रोफेसर को दर्शाता है। आप छोटे से रूप में ना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, इसमें छोटे से रूप में इस तरह लिख लें, जो व्रत है ये, व्रत ये किसको दर्शाता है बेटा, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, लो सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, यहाँ बनाते हैं, इधर बना दे रहे हैं, व्रत है ये, व्रत ये, व्रत दर्शा रहा है बेटा प्रोफेसर को, किसको, प्रोफेसर, कॉलेज के जो प्रोफेसर है उन्हें दर्शा रहा है व्रत, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ रहे, फिर आप खुद रिप्लाई करेंगे, ठीक। आगे कह रहा है त्रिभुज बेटा, त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज ये सर्जरी विशेषज्ञ को दर्शाता है, किसको, सर्जरी विशेषज्ञ को त्रिभुज दर्शा रहा है, सर्जरी विशेषज्ञ को। और अगला क्या है आपका, अगला बेटा आयत, आयत की बात कर रहा है, ये आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल, ये वाला आयत,
ये दर्शा रहा है किसको, मेडिकल विशेषज्ञ को, ये मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शाता है, मेडिकल वाले को, ठीक है। ये अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सामने ये दिख गया सभी को, समझ आ रहा है यहाँ तक, अब सुनिए ध्यान से। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी है, को किस से, इसको बेटा किस से, को किस से दर्शाया जाएगा। मेरी बात सभी को समझ आ रही है, यहाँ पर क्या बोला गया बच्चे आपसे, आपसे ये बोला है कि यहाँ पर क्या बोला, देखिए ध्यान से क्या बोला है, कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी है को किस से दर्शा जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेटा जिन दोनों की बात कर रहा हूं, उन दोनों के डायग्राम उठा लो, ठीक है। एक तो प्रोफेसर की बात कर रहा है, प्रोफेसर आपका व्रत था, व्रत तो एक तो आपको व्रत को देखना है, व्रत को। दूसरा आपसे कह रहा है सर्जरी विशेषज्ञ, सर्जरी वाला त्रिभुज था, तो व्रत और त्रिभुज इन दोनों को देखना है। इन दोनों के अंदर एक ऐसा नंबर होगा जो कॉमन होगा केवल व्रत और त्रिभुज में। तो देखिए व्रत आपका ये है, अगर मैं इस व्रत में बात करूं, व्रत में कितने नंबर आ रहे हैं, ए आ रहा है, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, एक्स आ रहा है, डी आ रहा है व्रत के अंदर। और त्रिभुज में कौन से आ रहे हैं, त्रिभुज में देखिए वाई आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों में केवल व्रत और त्रिभुज में केवल डी आ रहा है, डी, क्योंकि वाई ऐसा है जो व्रत में भी है, इस त्रिभुज में भी है, और ये आयत में भी है। लेकिन हमें दो चाहिए सिर्फ, प्रोफेसर कहा है यानी व्रत, और सर्जरी विशेषज्ञ यानी त्रिभुज। तो ऐसा नंबर कौन सा बेटा इसमें जो व्रत और त्रिभुज दोनों में है, तो केवल डी है, डी। ये डी ऐसा है जो किसमें आ रहा है बच्चे, ये देखिए त्रिभुज में भी आ रहा है, व्रत में भी, बाकी ऐसा कोई नहीं है जो त्रिभुज और व्रत में आ रहा है, यानी डी हो गया इसका। क्या हो गया बेटा, डी। अब क्वेश्चन समझ गए आप लोग, इस तरह के क्वेश्चन को बच्चे सभी कर पाएंगे ना, मुझे लगता है सारे बच्चे कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिए जाए तो, बहुत अच्छे। अब मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए ऑप्शन, इसमें ऑप्शन बेटा डी दे रहा है, यहाँ पर डी वाला लिखा अक्षर, तो ये वाला फिल कर देंगे, ये वाला भर देंगे, ये वाला, ये हो गया आपका आंसर। मेरी बात सभी को समझ आ रही है बच्चे, ऑप्शन डी इसका ये हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी डायग्राम को माइंड में रखना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करनी है, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, डी कॉमन है, वेरी गुड, सभी को समझ आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप आंसर बताना बिना ऑप्शन के ही बताना। हाँ बेटा, यूपी प्लस के लिए भी फाउंडेशन बैच चल रहा है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, लेकिन बैंक के लिए नहीं है, बैंक की रीजनिंग थोड़ी सी हाई लेवल हो, इससे भी अप लेवल होता है उसका, मतलब क्वेश्चन का लेवल अलग रहता है, कॉन्सेप्ट सब यही रहते हैं, ठीक है। तो अगर बैंक की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करें, उसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा, बाकी सभी एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल यही रहता है। चलिए, और बेसिक तो सबके लिए यही है, फाउंडेशन बैच आप पढ़े सब बच्चे, समझ आ जाएगा। समझ नहीं आया फिर से बताइए, देखिए फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर आपसे ये तीन ग्राफ दे दिए, आपसे कह दिया जो व्रत है बेटा प्रोफेसर को दर्शाता है व्रत, यानी हमने बना दिया व्रत प्रोफेसर को दर्शा रहा है, त्रिभुज दर्शा रहा है सर्जरी विशेषज्ञ को, त्रिभुज बनाया सर्जरी वाले को दर्शा दिया, और कह रहा है आयत बेटा मेडिकल वाले को दर्शा रहा है, मेडिकल विशेषज्ञ को, ठीक है। अब यहाँ ये बोला था ऐसा कौन सा अक्षर है इनमें से जो कॉलेज प्रोफेसर और सर्जरी विशेषज्ञ को दर्शाता है, कॉलेज प्रोफेसर भी हो सर्जरी विशेषज्ञ भी हो, तो कॉलेज प्रोफेसर यानी व्रत हो गए, सर्जरी मतलब त्रिभुज, तो ऐसा बताओ जो व्रत और त्रिभुज के अंदर आता हो, तो व्रत बेटा ये वाला बन रहा है, ये इस व्रत और ये त्रिभुज है ये, तो ऐसा इनमें कौन सा नंबर है जो व्रत और त्रिभुज के अंदर आ रहा है, व्रत और त्रिभुज के, तो अगर आप डी देखेंगे, डी डी, तो ये डी ऐसा है बेटा जो व्रत और त्रिभुज दोनों के अंदर आ रहा है। अब आपके मन में आएगा सर यहाँ पर ये एक्स आ रहा है, लेकिन एक्स त्रिभुज में नहीं है, व्रत में तो है, ठीक है, बाई आ रहा है, तो बाई त्रिभुज व्रत दोनों में तो है, लेकिन लेकिन आयत में भी आ रहा है साथ में, डी अकेला ऐसा है जो व्रत और त्रिभुज में आ रहा है, इसीलिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बड़े है बेटा, इसलिए विजिबिलिटी में दिक्कत हो रही होगी, अभी और क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर समझ नहीं आया बेटा तो और क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको क्लियर होगा, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, इसी का अगला वाला, ये तो आप समझ गए थे कौन सा किसे दर्शा रहा है, ये आपने पहले ही समझ लिया था कि जो व्रत है बेटा ये प्रोफेसर साहब को दर्शा रहा है, ठीक है, प्रोफेसर, प्रोफेसर को दर्शा रहा है, कॉलेज के प्रोफेसर को। जो त्रिभुज है बेटा, क्वेश्चन में लिखा है ये चीज, त्रिभुज है वो सर्जरी विशेषज्ञ को दर्शा रहा है, सर्जरी वाले को, ठीक है, मैं बार बार लिख रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। और आयत जो है, आयत ये मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शा रहा है, मेडिकल विशेषज्ञ को, ठीक है। अब आप ये बताइए, सर्जरी विशेषज्ञ जो मेडिकल विशेषज्ञ भी है लेकिन प्रोफेसर नहीं है, यानी आपको सर्जरी विशेषज्ञ और मेडिकल विशेषज्ञ बताने हैं, ये दिख रहा है सबको, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ना, बहुत अच्छे,
सर्जरी विशेषज्ञ और मेडिकल विशेषज्ञ कौन से हैं? सर्जरी मतलब त्रिभुज और मेडिकल मतलब आयत, ऐसा नंबर बताओ जो केवल त्रिभुज और आयत में आता हो। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जेड है, शायद जेड क्या है बेटा इसमें, जेड है जेड, क्योंकि जेड को देखिए बेटा सीमित बताइए, सीमित तो एक्स है, एक्स का है ऐसा नंबर। आप खुद देखिए आपसे कहा है कि उस नंबर को, उस अक्षर को बताओ जो सर्जरी विशेषज्ञ और मेडिकल विशेषज्ञ दोनों को दर्शा रहा है, लेकिन प्रोफेसर नहीं है, यानी कि प्रोफेसर नहीं है, व्रत में नहीं आना चाहिए। तो व्रत वाले पूरे भाग को तो हटा दो, व्रत का हटा दिया, अब आपके पास क्या बचा, बी बचा, जेड बचा, सी बचा, बी बचा, सी बचा। तो बी तो केवल आयत में आ रहा है, सी बेटा केवल त्रिभुज में, लेकिन जेड जो है, जेड ये वाला, ये जेड कैसा है जो आयत और त्रिभुज दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है मतलब सर्जरी और मेडिकल दोनों के विशेषज्ञ को दर्शाएगा, ये जेड सही आंसर होगा इसका, ठीक है, जेड इसका राइट आंसर होगा। मुझे लगता है आप सबको समझ आ गया होगा। अरे यार एक सेकेंड बेटा, समझ गए सभी बच्चे, बहुत अच्छे। तो यहां पर क्या होगा, जेड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जेड ये हो गया, जेड ये जेड हो गया। आगे चले, आगे चले और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको समझ आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, इसी डायग्राम पे है पांच क्वेश्चन पूरे, इसी डायग्राम पे आगे क्या बोला देखिए, कह रहा है सी बेटा जो सी है निम्न में से किसे दर्शाता है, सी देखिए कहाँ लिखा है, सी लिखा है ये लिखा है सी, अरे दिख रहा है सबको सी कहाँ लिखा है, सी नीचे लिखा है त्रिभुज में, और आप बताइए त्रिभुज किसे दर्शा रहा है, त्रिभुज किसे दर्शा रहा है, त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को दर्शाता है, सर्जरी विशेषज्ञ, सर्जरी विशेषज्ञ को दर्शाता है, तो सी केवल त्रिभुज में आ रहा है, तो सी केवल सर्जरी विशेषज्ञ को दर्शाएगा, ठीक है, अभी आएगा समझ, बिल्कुल परेशान ना हो आप, ठीक है, यानी सी किसे दर्शा रहा है, सी आ रहा है त्रिभुज में, और त्रिभुज बेटा त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को दर्शाता है, तो सर्जरी विशेषज्ञ को ऑप्शन सी मान लें आप इसमें, यानी इसमें नंबर लिख दिया अगर अपनी तरफ से ए बी सी करके, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, तीसरा वाला, ठीक है, हाँ इस तरह अपने से बोल दिया करें सर, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इस तरह, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यही आपको, यही आपको समझते चलना है इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, बी ये बताइए बेटा, बी निम्न में से किसे दर्शाता है, बी, बी बताइए बी किसे दर्शाएगा, यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन लिखे हैं, चार ऑप्शन लिखे हैं, बी बताना बी कहाँ लिखा है, बी लिखा है ये वाला, यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, यानी केवल आयत में आ रहा है, किस में आ रहा है, बी, बी बेटा केवल आयत में है, और केवल आयत किसे दर्शा रहा है, बी केवल आयत में है, और आयत दर्शा रहा है आपका किसको बेटा, आयत दर्शा रहा है मेडिकल वाले को, केवल मेडिकल को, मेडिकल, मेडिकल विशेषज्ञ को, क्या और किसी को दर्शा रहा है, नहीं, केवल मेडिकल को दर्शा रहा है। पढ़िए, लिखा है पहला ऑप्शन उन प्रोफेसर को जो ना ही मेडिकल, गलत हो गया, उन प्रोफेसर को जो सर्जरी विशेषज्ञ नहीं है, उन मेडिकल विशेषज्ञ को जो ना तो प्रोफेसर है और ना ही सर्जरी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, समझ गए बच्चे। मनीषा क्या बोल रहे हैं सर, दूसरे कॉन्सेप्ट वाला पढ़ाइए, बेटा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हें बता दें, फिर अगला क्वेश्चन आएगा इसी में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं वेन डायग्राम में, समझ गए, शुरू में पढ़ा चुके वो, शायद आप लेट ज्वाइन किए होंगे, हो गया सी, आगे चले, अब आगे चले बेटा, बी जो है केवल आयत में आ रहा है, यानी केवल मेडिकल वालों को दर्शाएगा ये, ना तो बेटा ये प्रोफेसर को दर्शाएगा, ना ही सर्जरी वाले को। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट और ये लास्ट है इसमें का, फिर नई तरह का क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर कीजिए इसका, ठीक है, चलिए, कह रहा है उन कॉलेज प्रोफेसर को जो मेडिकल विशेषज्ञ भी हैं, जो मेडिकल विशेषज्ञ भी हैं, किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, किसकी बात कर रहा है, कॉलेज प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रोफेसर की बात कर रहा है, कॉलेज प्रोफेसर, और दूसरा बात कर रहा है मेडिकल विशेषज्ञ, तो बेटा ये बताइए कॉलेज प्रोफेसर को क्वेश्चन में किससे प्रदर्शित किया है, कॉलेज प्रोफेसर को बेटा व्रत से प्रदर्शित किया, व्रत से, और मेडिकल वाले को, मेडिकल को आयत से, मेडिकल को आयत से, तो आपको ऐसा नंबर बताना है बच्चे, ऐसा अक्षर बताना जो व्रत और आयत दोनों में आता हो, व्रत और आयत, व्रत बेटा ये वाला है, ये वाला आपके सामने, तो इस व्रत और आयत नीचे वाला है ये, तो यहाँ तीन अक्षर दिख रहे हैं आपको, एक्स दिख रहा है, बाई दिख रहा है, एक्स मतलब एक्स और बाई दिख रहा है, लेकिन बाई तो त्रिभुज में भी आ गया, तो केवल एक्स अकेला ऐसा है यहाँ पर, एक्स ऐसा है, एक्स जो बेटा आपका इस व्रत में भी है और आयत में भी है, आप देखिए व्रत का ये वाला भाग है, आप अगर व्रत को ध्यान से देखेंगे ये भाग है,
इसमें एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, फिर एक्स है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, इस वृत्त का आयत वाले के साथ देखना, त्रिभुज के साथ नहीं देखना। जब आयत के साथ देखना तो केवल एक्स है, केवल एक्स, ये वाला इधर भी देख लो एक्स है केवल, वाई नहीं आएगा, वाई त्रिभुज पे आ रहा है। ठीक है, हाँ समझ गए बच्चे। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स होगा एक्स, यानी बी ऑप्शन कह सकते हैं आप इसमें। ठीक है, एक्स होगा एक्स, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, आप आंसर कर दिया करें एक्स होगा आंसर, ऐसे कर दिया करें, कौन होगा एक्स होगा, समझ गए, बहुत अच्छे। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए तरह का एक नया डायग्राम आ गया, अब नया डायग्राम आ गया। ठीक है, चलिए नया डायग्राम आ गया। हाँ बेटा, ये जेई लेवल के क्वेश्चन है सभी, और आप सुनिए ध्यान से मेरी बात। अब जो बेटा संडे आने वाला है आपको, इस संडे को आज से ही मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं, इस संडे को एसएससी जेई 2020 का जो मार्च में एग्जाम हुआ था ना, उसका पूरा कंप्लीट रीजनिंग का पेपर कराऊंगा मैं। ठीक है, रीजनिंग का पूरा 50 क्वेश्चन रीजनिंग का पेपर सॉल्व होगा 2020 वाला संडे को। ठीक है, इस तरह आपको इंपॉर्टेंस पता रहेगी कौन कौन चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगले संडे को एक और पेपर, लगभग आपके 10-12 पेपर सॉल्व कर लेंगे, मिनिमम 10 पेपर केवल रीजनिंग के। ठीक है, क्या होगा, संडे को एसएससी जेई 2020 वाला पेपर सॉल्व करेंगे, रीजनिंग पार्ट केवल, बाकी टेक्निकल नहीं करेंगे, जीके जीएस नहीं, अभी रीजनिंग करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो संडे को सबको जुड़ना है, हो सकता है सेशन बढ़ा रहे, पूरे 50 क्वेश्चन कराएंगे उसमें। चलिए, अगर ये नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा बड़ा कर दें, ये इन्फॉर्मेशन सभी को दे देना, आप संडे को पेपर सॉल्व कराएंगे जेई वाला। ठीक है, आंसर की है हमारे पास, आंसर की से कराएंगे ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि सर ने अपने से नहीं टाइप किए, ये सब क्वेश्चन पूछे ही गए एग्जाम में। ये डायग्राम दिख रहा है सबको, डायग्राम दिख रहा है सबको। चलिए, अब इसमें देखिए क्या क्या कह रखा है बेटा, इसमें चार डायग्राम है। अगर थोड़ा और जूम करूं मैं इसको, डायग्राम को केवल, अगर मैं केवल डायग्राम को जूम करूं, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए बेटा डायग्राम को, यहाँ डायग्राम देखिए क्या कह रखा है डायग्राम में, यहाँ डायग्राम देख लीजिए ध्यान से। हाँ बेटा, जेई लेवल का है, आसू जेई लेवल का है ये। ठीक है, देखिए ध्यान से सामने, क्वेश्चन कराएंगे आपको जेई वाले, पेपर सॉल्व कराएंगे ना 2020 वाला संडे को, तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन जेई में आप कितने कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे देखिए बेटा, इसमें क्या ट्रिक होगी, इसमें तो कोई ट्रिक ही नहीं है, बस आपको पहचानना है कौन सा बीच में आ रहा है। लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है ये, और लॉजिकल में ट्रिक नहीं, लॉजिक काम करते हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है ये। देखिए क्या बोला यहाँ पर, नीचे दर्शाएगा यार एक पर, 6 से 10 तक आगे के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ देखिए चार डायग्राम है, एक ये वाला, यहाँ लिखा है सबके ऊपर, ये क्रिश्चियन है, ये प्रोफेशनल है, ये फीमेल है, और ये एशियन है। ठीक है, प्रोफेशनल मतलब होता है बेटा व्यवसाय, प्रोफेशनल मतलब व्यवसाय, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी में लिखे हैं या इंग्लिश लिख दिया है, व्यवसाय। इसके अलावा फीमेल मतलब महिला, फीमेल मतलब महिला होता है हिंदी में, महिला, समझ पा रहे बेटा, महिला। इसके अलावा क्रिश्चियन को तो हिंदी में क्रिश्चियन ही कहेंगे, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है, क्रिश्चियन। ठीक है, इसके अलावा एक इधर लिखा एशियन, तो एशियन मतलब एशियन ही होगा, एशियन। समझ गए सभी बच्चे, ये एशियन होगा। अब आप लोग बेटा, अब आप लोग इसका रिप्लाई कीजिए क्वेश्चन का, आपसे कहा है व्यवसायी एशियन गैर क्रिश्चियन महिलाओं को किससे दर्शाया गया है, किस किस की बात कर रहा है, व्यवसाय की बात कर रहा है बच्चे, व्यवसाय किसकी बात कर रहा है, व्यवसाय। ठीक है, पहली चीज इसने कह दिया व्यवसाय, दूसरा क्या बोला है एशियन भी कह दिया। ठीक है, एशियन है, लेकिन बेटा कह रहा है गैर क्रिश्चियन, यानी क्रिश्चियन नहीं है, गैर क्रिश्चियन का मतलब क्रिश्चियन नहीं आएगा। आगे कह रहा महिला, यानी महिला की बात कर रहा महिला, ये तीन चीज आनी चाहिए, यानी ऐसा यहाँ पर नंबर बताओ जो इन तीनों में आता हो, इन तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो व्यवसाय में भी हो, एशियन में हो, महिला में हो, लेकिन क्रिश्चियन में ना हो, क्योंकि गैर क्रिश्चियन की यहाँ पर बात की गई है। 10 होगा, क्या बात है बच्चे, 10 होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है बेटा, 10 होगा। देखिए ध्यान से सामने देखिए, फीमेल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, फीमेल ये वाला पार्ट है, इसमें फीमेल में आ रहे थे आपके, महिला में बेटा 11 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 6 आ रहा है, आप देख लीजिए, अगर भूल जाएगा लिख लिया करिए, 9 आ रहा है इसमें, 10 आ रहा है इसमें, इसमें बेटा 11 आ रहा है, और 6 आ रहा है इसमें, यही तो आ रहा है महिला वाले पार्ट में। देखिए इस वाले आयत में 3 तो बिल्कुल बाहर है, चाहे तो आप 3 भी लिख सकते थे, बाहर है वो। अब एशियन में देखिए, एशियन नीचे वाला छोटा वाला आयत है ये, इसमें इधर वाला पार्ट देखिए जो महिला के साथ मिल रहा है, 9, 10, 6 क्या आ रहा है बेटा, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, और 6 आ रहा है। अब देखिए व्यवसाय वाला पार्ट, व्यवसाय कहाँ पर है,
प्रोफेशन को व्यवसाय कहते हैं ये वाला पार्ट। इस व्यवसाय में, इस व्यवसाय में देखिए 2 है, 12 है, 11 है, और इधर देखिए, इधर इधर बेटा कौन सा आपका 9, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ व्यवसाय को देख रहे होंगे आप, 9 भी है, 10 भी है, और 9 और 10 भी है इसमें, इसमें 9 और 10 भी है। अगर आप तीनों में देख पा रहे होंगे, तीनों में 10 कॉमन है, 10 तीनों में 10 कॉमन है। आप अगर भूल जाया करें तो सबके सामने नंबर लिख लो, कौन कौन से आयत में क्या क्या नंबर है। फीमेल वाले में 3 है, 11, 9, 10, 6, क्या है 9, 10, 11, 6 और 3, ये थे फीमेल में। आपने एशियन में देखा, एशियन में क्या 4, 5, 8, 7, 9, 10, 6, ये सब थे एशियन में। व्यवसाय में आपने देखा, व्यवसाय ये वाला है, इसमें क्या क्या थे, 2 है, 12 है, 8 है, 7 है, 10 है, 9 है, 11 है। अब इनको लिखने के बाद तीनों में कॉमन था केवल 10, यानी 10 ऐसा है जो तीनों में आ रहा है। ठीक है बेटा, 10 है, 7 नहीं होगा बच्चे, 7 कैसे हो जाएगा, 7 इस वाले आयत में नहीं है, इसमें कहाँ है 7, देखिए महिला वाले में नहीं है, महिला वाले में ये लेना है एक आयत आपको, एक ये छोटा वाला आयत ये वाला लेना है बच्चे, ये वाला, ये लेना है, और तीसरा आपको ये वाला लेना है, ये वाला, ये इन तीनों को देखिए, इन तीनों को, सिर्फ इन तीनों में देखिए कॉमन कौन सा है। अगर आप इस 10 को उठा लीजिए, 10 को, 10 देखिए इस वाले में भी है, इस वाले तीनों में आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, 9 छोटे वाले में आ रहा है बेटा, 9 जो था छोटे में आ रहा है आपका, और किस में आ रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग बच्चे, 10 ऐसा है जो तीनों में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये, हाँ 10 होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर दिए हैं इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, समझ गए ना। तो क्या आएगा 10, तो इसका आंसर होगा बच्चे 10, इसका आंसर क्या होगा 10 होगा, 10। ठीक है, ये है आंसर, ये देखिए 10, ये वाला आंसर हो जाएगा 10 इसका। एक सेकेंड, क्वेश्चन काफी बड़े हैं, एक बार में स्क्रीन पर आ नहीं पाते, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट पर, हम नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए वही वाला डायग्राम फिर से है और आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम पर जूम कर देते हैं, हल्का सा डायग्राम पर जूम कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए, इसका आंसर कीजिए बच्चे, इसका आंसर कीजिए, दिख रहा है आप सभी को डायग्राम, चलिए बच्चे इसका आंसर कीजिए, सही बच्चे इसका आंसर कीजिए। यहाँ क्या बोला गया, देखिए कह रहा है एशियन महिलाओं ना ही व्यवसायी और ना ही क्रिश्चियन हो को किस से दर्शाया गया है। एशियन महिलाएं हैं बेटा, यानी फीमेल की बात कर रहा है, फीमेल महिला जो है फीमेल, और कह रहा है एशियन, सिर्फ इन दो की बात कर रहा है, सिर्फ इन दो की कह रहा है, एशियंस और महिलाएं हैं, लेकिन व्यवसाय भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है। तो इन दोनों में बताइए, इन दोनों में कौन सा आएगा नंबर। फीमेल में देखिए, फीमेल वाला बॉक्स ये वाला है, ये यानी एक तो ये बॉक्स देखना है आपको, ये वाला, दूसरा आपको यहाँ पर, दूसरा आपको फीमेल हो गया एशियन वाला, एशियन मतलब ये नीचे वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, ये इन दोनों में बताना है आपको कौन सा नंबर आ रहा है। बेटा इन दोनों में आपके सामने 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं अगर आपसे कहा गया, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है क्रिश्चियन वाले पार्ट में नहीं आना चाहिए और व्यवसाय वाले पार्ट में नहीं आना चाहिए। अगर मैं दोनों में देखूं मिला के 3 नंबर आ रहे हैं आपके सामने, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है और साथ में 6 आ रहा है, लेकिन इनमें से ये देखना है कि बेटा इसमें से ये देखना है कि इसमें से ऐसा तो कोई नहीं जो व्यवसाय में हो, व्यवसाय और क्रिश्चियन वाले को इसमें से हटा दो। पहले हमने क्या देखा, ध्यान दीजिए, पहले हमने देखा फीमेल और एशियन, तो फीमेल वाला बॉक्स ये है, एशियन वाला ये है, इन दोनों बॉक्स में आपने देखा कॉमन वाले नंबर 9, 10 और 6 थे ये। अब इसमें से वो हटा दो जो व्यवसाय में हो, व्यवसाय प्रोफेशन ये वाला है प्रोफेशन, तो 9 और 10 हट गया, 9 और 10 हट गया बेटा, ये हट गया, ये हट गया, बचा क्या 6 बचा, यही राइट हो गया, क्योंकि प्रोफेशन नहीं है तो प्रोफेशन में 9 और 10 आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 6 नीचे है, और 6 ना ही आपके क्रिश्चियन में आ रहा, क्रिश्चियन में केवल 9 आ रहा था, तो आपका 6 राइट आंसर होगा, 6 राइट आंसर होगा ना बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्या रिस्पॉन्स है बेटा। लाइक भी कर दिया करें अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो, ठीक है, लाइक करते रहें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामने, मैं फिर से डायग्राम को जूम कर रहा हूं और आप बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। ठीक है बच्चे, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, दिख रहा है, बहुत अच्छे, चलिए इसका आंसर कीजिए, सही बच्चे इसका आंसर कीजिए। 4 कैसे हो जाएगा सही, 4 नहीं होगा बच्चे, 7, 4 कैसे सही हो जाएगा, 4 तो अलग है, 4 केवल एशियन है, फीमेल कहाँ है, फीमेल नहीं है ना 4, यहाँ पर दोनों की बात कर रहा है, फीमेल भी हो एशियन भी हो, फीमेल वाले बॉक्स में भी आए एशियन में भी आए, क्योंकि यहाँ पर 9, 10, 6 4 ऑप्शन में होता तब भी सही नहीं रहता, ये केवल एशियन है, फीमेल कहाँ है, फीमेल एशियन दोनों में कॉमन वाला पार्ट तो ये है ना, बीच वाला ये कॉमन था, समझ पा रहे मेरी बात बच्चे, ये बीच वाला पार्ट जो है ये वाला कॉमन था आपका, बोलिए क्लियर है,
अरे यही तो कॉमन वाला पार्ट है भैया। ठीक है चलिए आगे चलिए, इसका बताइए इसका। हाँ इसका बताइए, पिछला डाउट बता दिए, इसका बताइए बेटा जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या बोला यहाँ पर, गैर एशियन, यानी एशियन नहीं होना चाहिए, गैर एशियन की बात कर रहा है, गैर एशियन व्यवसायी क्रिश्चियन पुरुषों को किससे दर्शाया जाएगा। पुरुष तो यहाँ है ही नहीं भाई, पुरुष तो है ही नहीं, ठीक है यहाँ पर पुरुष तो है नहीं, महिला आना चाहिए था, पुरुष कैसे लिख दिया, पुरुष तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ पर महिला कर लेना बच्चे, महिला क्या कर लेंगे, यहाँ महिला कर लेना, महिला पुरुष नहीं आएगा, मिस्टेक से गलत यहाँ पर ये लिख गया है, यहाँ महिला कर लेना महिला, ठीक है हाँ महिला कर तो दिया, क्वेश्चन गलत था, लो सही हो गया ना अब। ठीक है अब बताइए व्यवसाय, व्यवसाय कौन सा है, व्यवसाय मतलब प्रोफेशन, मैं बॉक्स को यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये हो गया पहला प्रोफेशन, ठीक है ये हो गया व्यवसाय वाला, समझ पा रहे हैं। इसके बाद दूसरा कौन सा कह रहा है, व्यवसाय के बाद क्रिश्चियन, क्रिश्चियन की बात कर रहा है, क्रिश्चियन ऊपर वाला बॉक्स हो गया ये वाला, क्रिश्चियन वाला, ये क्रिश्चियन वाला बॉक्स हो गया, ठीक है ध्यान देना सामने। इसके बाद तीसरा बात कर रहा है किसकी, बस दो ही है ये, और महिला भी है, महिला, महिला मतलब नीचे वाला, ये महिला मतलब ये हो गया, ये महिला वाला बॉक्स हो गया ये वाला। अब इन तीनों में जो कॉमन है बेटा वो देना है आपको, इन तीनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, आप ध्यान दीजिए देखिए, महिला वाले पार्ट में 9 10 9 10 बेटा इन दोनों बॉक्स के साथ कॉमन है, फीमेल वाले पार्ट में कौन सा कॉमन था, 9 और 10, सामने ध्यान दीजिए 9 और 10, 9 और 10 ऐसा है, 9 और 10 बेटा जो प्रोफेशन के साथ मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब महिला वाला पार्ट हो गया, इसके बाद प्रोफेशन वाला पार्ट देखो, प्रोफेशन ये है, प्रोफेशन वाला ऐसा है 9 जो फीमेल के साथ मिल रहा है 9, आगे ऊपर देखा क्रिश्चियन वाला पार्ट तो ये भी 9 ही है बेटा, आंसर 9 होगा इसका, तीनों में 9 आ रहा है यानी 9 होगा, 9, ठीक है क्या कह रहे हैं सर, फीमेल वाला ना लीजिए तो मेल के लिए 12, मेल तो यहाँ है ही नहीं इसमें, मेल कहाँ है, एशियन है आपका, फीमेल है, प्रोफेशन है, मेल तो है ही नहीं, अगर हाँ इसको पुरुष लिखते हैं, पुरुष नहीं है, लिखा ही नहीं होना चाहिए था कि, अगर यहाँ पुरुष लिखा है इसका मतलब क्या, केवल दोनों को देख लो, बाकी देना नहीं चाहिए, ऐसा देता नहीं कभी, जब इसके बारे में डायग्राम में जिक्र ही नहीं किया तो अलग से कुछ भी नहीं लिखता है, ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है पुरुष को इसलिए काट दिया, ऐसा नहीं होता, जिसकी बात करता है वही लिख के आते हैं, अलग से नया नाम नहीं लिख के देता शब्द, इसने लिख दिया है ये गलत किया है, हालांकि आप फिर भी अगर इसको नहीं काटना चाहते पुरुष को तो इस केस में आंसर आपका बदल जाएगा, फिर अगर यहाँ पुरुष को नहीं काटना चाहते तो केवल दो देखनी है, गैर एशियन, एशियन को देखना नहीं है, पुरुष इसमें है नहीं, एशियन पुरुष को छोड़ो, केवल व्यवसाय और क्रिश्चियन देखना है, इसमें आप फीमेल वाला पार्ट हटा दो, फिर आप फीमेल वाला पार्ट यहाँ से हटा दो बच्चे, फीमेल वाला पार्ट यहाँ से हटा दो फिर, ठीक है लो, ठीक है लो, अगर आप पुरुष के साथ ही करना चाहते हो इसको कर लो, बाकी ऐसा कभी होता नहीं है बच्चे, क्योंकि जिन जिन शब्दों की बात करता है ना क्वेश्चन में हमेशा उन्हें लिखता है, ये अलग से लिख दिया था। लो आपकी बात बड़ी कर देते हैं, आप दोनों में कॉमन बता दो क्या है, तो देखिए लाल वाले को देखिए इसमें 12 आ रहा है और यहाँ पर 9 आ रहा है बेटा, 12 और 9, लेकिन इससे देखेंगे प्रोफेशन वाले को तो इसमें कितना आ रहा है बेटा, प्रोफेशन वाले बॉक्स में देखिए यहाँ भी 12 आ रहा है 9 आ रहा है, कैसे आंसर कर पाएंगे बताइए, कैसे आंसर कर पाएंगे बेटा बोलिए, अरे यहाँ देखिए, अच्छा एशियन ये 9 नहीं 12 हो जाएगा, फिर सही बोल रहे हैं, फिर कितना हो जाएगा 12, क्योंकि एशियन नहीं था ना इसलिए 12, इसके अकॉर्डिंग 12 हो जाएगा, ठीक है बच्चे एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि 9 ऑप्शन में शायद ना हो, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 9 था ऑप्शन में, अगर यहाँ महिला होता बेटा तब तो 9 आता आंसर, लेकिन अभी के लिए 12 हो गया, 12, मेरी बात सभी को समझ आ रही है बेटा, बहुत अच्छे, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कर पाएंगे सभी बच्चे, ऐसे कर सकते थे ना बेटा आप लोग, ठीक है आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले अब, हाँ समझ गए बेटा, गैर एशियन का है इसलिए यहाँ पर 9 वाला पार्ट भी हट जाएगा, क्योंकि एशियन में आ रहा था, 12 सही होगा, 12 सही होगा, ठीक है समझ गए ऐसे, अच्छा 9 एशियन में भी था, ठीक है हाँ सही बोल रहे हैं, 9 एशियन में भी था, सही है बेटा 12 ही होगा, सॉरी फॉर डेट 12 ही होगा, 12 सही है बिल्कुल, ठीक है काटना नहीं है, 12 बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि 9 आपका एशियन में आ जा रहा था और एशियन नहीं कहा, गैर एशियन कहा था, समझ गए बच्चे बहुत अच्छे, आप सब स्कॉलर्स हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा 9 12 ही आएगा, बिल्कुल सही है, नहीं काटना नहीं है आपको, सही है ये, सही है बेटा समझ गए, ठीक है आगे बताइए नेक्स्ट को, इसका आंसर कीजिए, इसका इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है आपको डायग्राम सभी को विजिबल हो पा रहा है, चलिए
इसका आंसर कीजिए, समझ गए बच्चे? ठीक है, हाँ समझ गए, एक ही बात मत बोलिए भाई, अब क्या कहें, हो जाता है डायग्राम पास से देखते मिक्सअप हो जाता है ना, आपको दूर से साफ दिख रहा है, हमें बिल्कुल पास रहती है स्क्रीन तो सब मिक्सअप हो जाता है, कई बार हो जाता है ऐसा। 12 सही है, हम समझ गए, आगे चलिए, अब आगे देखिए, 9 नहीं आएगा, ठीक है। देखिए प्रभु सामने देखिए क्या बोला है, उन क्रिश्चियन महिलाओं को जो गैर व्यवसायी और एशियन है, यानी यहाँ पर क्रिश्चियन की बात भी कर रहा है, यहाँ किसकी बात कर रहा है, क्रिश्चियन की बात कर रहा है, इसके बाद क्या बोला है आगे, महिलाओं की बात भी कर रहा है, महिलाएं महिलाओं, लेकिन साथ में आपसे क्या कह दिया, साथ में कह दिया गैर व्यवसायी, यानी व्यवसायी नहीं होनी चाहिए, और एशियन की बात भी कर रहा है, एशियन एशियन की बात कर रहा है, लेकिन व्यवसायी नहीं होना चाहिए, तो मैं व्यवसाय वाले को रेड कर दे रहा हूँ, इसमें नहीं आना चाहिए, प्रोफेशन में जो नंबर आ रहा है उनको तो वैसे ही हटा दो आप, इनको तो हटा दो, यानी कि यहाँ पर गैर व्यवसायी कह रहा है, इसके अंदर जितने नंबर आ रहे हैं ये आंसर नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 8, 9, 7, 10, 11 ये वाले नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है गैर व्यवसायी, और गैर व्यवसायी का मतलब हो गया ये वाले आपको नहीं देने हैं, ठीक है, व्यवसाय वाले नंबर नहीं देने। अब बाकी कौन से बचे इनके अलावा, इनके अलावा बताना है, क्रिश्चियन में भी आना चाहिए और बेटा महिलाओं में भी हो, और आपका किस में हो, एशियन में हो, तो यहाँ ध्यान दीजिए सामने महिलाओं वाले पार्ट में देखिए ध्यान से, महिलाएं ये है बेटा, महिलाएं अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये महिलाएं हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इस महिलाओं में ऐसा कौन सा पार्ट है जो प्रोफेशन में नहीं आ रहा, तो केवल 6 और 3 है, 3 तो अलग था, 6 ही बचा, 6 ही तो बचा, अब इस 6 को और चेक कर लो सबके साथ, तो 6 बेटा एशियन है, एशियन, लेकिन क्रिश्चियन नहीं है 6, लेकिन क्रिश्चियन नहीं है 6 बच्चे, क्रिश्चियन नहीं है, इनमें तो कोई सा है ही नहीं, इनमें तो कोई सा नहीं है बेटा, अगर आप देख पा रहे होंगे महिलाओं में, देखिए ये प्रोफेशन वाले में आ गया, प्रोफेशन में सारे नंबर आ गए, 6 और 3 बच्चे महिलाओं में, 6 और 3, 6 बचा और 3 बचा, अब 6 और 3 को बाकी इन दोनों में चेक करो, तो एशियन में 3 नहीं है, 6 है, चलो 6 हो गया, आगे क्रिश्चियन में देखो तो ना 3 है ना 6 है क्रिश्चियन में, क्योंकि क्रिश्चियन का बॉक्स तो ये वाला है ना, क्रिश्चियन का बॉक्स तो ये वाला है, ये वाला बच्चे, ये क्रिश्चियन का बॉक्स है, इसमें तो फिर कोई सा है ही नहीं, इसका मतलब आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं बेटा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें तो होगा ही नहीं, इसमें नहीं होगा कोई सा भी आंसर, ठीक है। अगर आप 5 को लेना चाहें, 5 को, तो 5 महिलाओं से दूर हो गया, दोनों में आ रहा है क्रिश्चियन और एशियन में आ रहा है, 5 महिला से दूर है, ठीक है, तो 5 और 6 में से एक होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है फिर पता चल जाएगा, इनमें से कोई नहीं बेटा, ऑप्शन डी सही है इसका, ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं, देखिए बिना ऑप्शन के आपने बता दिया, फिर भी आपका ऑप्शन डी करेक्ट था, यहाँ पर क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बेटा, हमें लगता है आपका जेई तो पक्का है, ठीक है। अभी आप कॉलेज टाइम पर इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, जब पूरी तरह से तैयारी करेंगे तब क्या करेंगे, सोच लीजिए, ऑप्शन डी होगा, वेरी गुड। आगे चले बच्चे, इस क्वेश्चन को इसके स्थान पर पहुंचा देते हैं, सॉल्यूशन को, फिर आगे बढ़ लेंगे, ठीक है, यस। चलिए ऑप्शन डी था बच्चे इसका, ऑप्शन डी, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दिया करें, ताकि आप बाद में पीडीएफ ले लेंगे, इसका पीडीएफ में आंसर नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें जूम आउट जूम इन करने पर ना छोटा बड़ा हो जा रहा है, लास्ट है इसका ये वाला, फिर नए तरह के क्वेश्चन आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखिए इसका डायग्राम और बड़ा कर दें थोड़ा, ताकि आप लोग देख पाए, बड़ा हो जा, ताकि आप लोग देख पाए, बहुत बढ़िया। अब देखिए डायग्राम दिख रहा है सबको, इसका आंसर कीजिए, क्या बोला है यहाँ पर, बोला है छायांकित भाग दर्शाता है, छायांकित वाला भाग किसको दर्शा रहा है, छायांकित भाग ये वाला, इतना वाला, ये इतना वाला भाग है, इतना वाला, ये वाला भाग, इसमें बेटा क्या क्या आ रहा है आप खुद बता दीजिए, आप खुद बताइए इस छायांकित वाले भाग में क्या आ रहा है, देखिए छायांकित यहाँ तक कर रखा है, सिर्फ गलती मत करना, इतना वाला भाग कर रखा है छायांकित, यानी इसमें देखिए कौन कौन सी चीज आ रही है छायांकित में, देखिए क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले बात करें फीमेल की, बेटा फीमेल का भी कुछ हिस्सा आ रहा है छाया वाले भाग में, यानी फीमेल आ गई, क्या क्या आ रहा है इसमें छाया वाले भाग में बताना, शेडिंग जो कर रखी है ऐसे करके, फीमेल आ गया। इसके बाद आप देखें इसका भी कुछ भाग आ रहा है बेटा, इसका भी कुछ भाग आ रहा है, देख लीजिए किसका, प्रोफेसर साहब का कुछ भाग आ गया इसमें, प्रोफेशनल का आ गया, यानी व्यवसाय का आ गया, व्यवसाय, प्रोफेसर नहीं प्रोफेशनल, ठीक है। इसके बाद और क्या आ रहा है छाया वाले भाग में, एक ऊपर वाला डायग्राम देखेंगे ये वाला, इसका भी कुछ भाग आ रहा है, इसका भी कुछ भाग आ रहा है क्रिश्चियन का, ठीक है बच्चे, क्रिश्चियन का भी कुछ भाग आ रहा है इसमें, क्रिश्चियन का भी। अब क्या रह गया आपका, अब रह गया ये एशियन, तो बेटा एशियन नहीं आ रहा इसमें, एशियन नहीं आ रहा इसमें, समझ पा रहे बच्चे, एशियन नहीं आ रहा, तो क्या बोला है,
गैर एशियन व्यवसायी क्रिश्चियन महिलाओं को, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बहुत अच्छे, मैं चारों ऑप्शन आपको दिखा देता हूं, फिर भी आप सबने देखा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, बिल्कुल राइट। लीजिए ये चारों ऑप्शन आपके सामने, ये चारों ऑप्शन आपके सामने है बच्चे, देख लीजिए। यहाँ बोला गैर क्रिश्चियन, नहीं बेटा क्रिश्चियन तो है, आगे बोला गैर एशियन, व्यवसायी बोल दिया, गलत हो गया, यानी दूसरा ही सही है इसमें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है बेटा। जेई वाले क्वेश्चन आपसे नहीं बचेंगे, आपकी क्षमता चेक करेंगे हम संडे को। संडे को जेई का पेपर लेके आ रहा हूं मैं, संडे को मैं आप सबके बीच लेके आ रहा हूँ जेई का पेपर, ठीक है। इसकी शॉर्ट भी वीडियो भी डाल देंगे, उसे शेयर कर देना आप। संडे को एसएससी जेई का 2020 वाला पेपर रीजनिंग का लेके आएंगे आपके बीच, पूरे क्वेश्चन 50 के 50 सॉल्व करेंगे साथ मिलके, वर्बल नॉन वर्बल हर एक चैप्टर से क्वेश्चन कितने पूछे गए, साथ में एनालिसिस भी करेंगे बेटा, ठीक है। साथ में एनालिसिस भी करेंगे किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किससे कम। जब तक आपका जेई का बैच लॉन्च होगा ना, तब तक आप पूरी तरह प्रिपेयर हो जाएंगे पढ़ने के लिए। चलिए इसे देखिए, इसे नए तरह का डायग्राम है। यहाँ बोला गया है बेटा, यहाँ पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन में क्या बोला है पहले ये पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़िए इसमें क्या बोला है बेटा। इसमें बोला है निम्नलिखित आरेख में छोटा त्रिभुज, देखिए दो दो त्रिभुज है यहाँ पर, बोला है छोटा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज शिक्षक को, ठीक है, एक छोटा त्रिभुज बना दे रहे हैं हम, इसमें लिख दे रहे हैं ये क्या शिक्षक हो गए, शिक्षक, ठीक है बेटा, शिक्षक। एक बना दो बड़ा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज किसको दर्शा रहा है ये देख लीजिए, ये हो गया छोटा त्रिभुज, आगे बड़ा त्रिभुज की बात कर रहा है, बोला है बड़ा त्रिभुज राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को दर्शा रहा है। इसके अलावा आगे क्या बोला, व्रत बेटा स्नातक को, जो डिग्री ले रखे हैं, व्रत दर्शा रहा है स्नातक वालों को, स्नातक को। और क्या बोला है, और कुछ है क्या, आयत बेटा सांसद को दर्शाता है, जो आयत है वो किसको, सांसद को, सांसद, ठीक है, आयत सांसद को दर्शा रहा है। तो विभिन्न अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर चार डायग्राम थे, एक आपके पास बेटा छोटा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है, एक वृत्त है और एक आयत है, आयत ये वाला है। अब क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, ठीक है बेटा, पीडीएफ मिलेगा जीटेक पॉली के टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग, ठीक है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा पीडीएफ। इसका आंसर कीजिए क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। देखिए यहाँ क्या बोला है, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, इनमें से कौन सा क्षेत्र स्नातक या शिक्षक को दर्शाता है लेकिन राजनीतिज्ञ को नहीं। स्नातक और शिक्षक होने चाहिए, राजनीतिक नहीं, तो जिसकी नहीं की बात कर रहा है वो हटा दो पहले, व्रत है नहीं वाला, स्नातक में क्या आ रहा है, स्नातक व्रत को दर्शा रहा है, तो ये व्रत वाला भाग लो बेटा ये वाला, और इसके अंदर जितने नंबर आ रहे हैं ना, ये आंसर गलती से भी नहीं होगा, क्योंकि इसने कह दिया, क्या कह दिया इसने, इसने कह दिया बेटा, नहीं 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 क्या बोल रहा है, राजनीतिक, राजनीतिक बोल रहा, नहीं गलत बोल रहे हम, राजनीतिक, राजनीतिक क्या था, बड़ा वाला त्रिभुज, तो बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, ये बड़ा वाला त्रिभुज, राजनीतिक की मना कर रहा है ना, तो बड़ा त्रिभुज ले लो बेटा, बड़ा त्रिभुज ये, क्यों कह रहा है राजनीतिक को नहीं दर्शाता हो, तो बड़े त्रिभुज के अंदर जितने नंबर आ रहा है वो नहीं आएंगे बेटा, बड़े त्रिभुज के अंदर वाला कोई नहीं आएगा आंसर। अब बच के आ गया इसके अंदर छोड़ करके, केवल दो ही अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ ई लिखा है, दूसरी तरफ ए लिखा है, ठीक है, यही तो कह रहा है, ये कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र स्नातक या शिक्षक, दोनों को नहीं, या तो स्नातक हो या शिक्षक हो, कौन सा अक्षर दर्शा रहा है जो राजनीतिक को नहीं दर्शाता, तो त्रिभुज वाले को नहीं दर्शाना बड़े त्रिभुज के अंदर, तो बड़े त्रिभुज के अलावा आपके पास ए बच गया और आपके पास ई बच गया, क्या बच गया बच्चे, ए बच गया और ई बच गया, मेरी बात सभी को समझ आ रही है, मेरी बात सही बच्चे समझ पा रहे हैं, ई और ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब बात किसकी कहा है, फिर ये कहा स्नातक की, अब जो छोटा वाला त्रिभुज है वो शिक्षक को दर्शाता है, स्नातक या शिक्षक, और जो व्रत वाला पार्ट है बेटा वो दर्शाता है स्नातक को, तो व्रत के अंदर तो इससे अलग क्या बच गया, व्रत के अंदर बच गया ए, और बेटा छोटे त्रिभुज के अंदर बच गया ई, तो ए या ई क्या हो जाएगा आपका, ए और ई बेटा, ए और ई दो ही तो बचे थे केवल, तो ए और ई में से आएगा ए ई। अब इसके ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन से हमें और अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है, ऑप्शन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके सामने है ए ई, बड़ा ही कर लेते हैं लेकिन इसे ऊपर कर देते हैं, लो ऑप्शन देखो ए और ई आ रहा है ना, ऑप्शन सी हो गया ए और ई, बहुत बढ़िया,
ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड बच्चे, क्या बात है, एम टेक, बहुत अच्छे, क्या है, एम के टेक, चलिए ठीक है बच्चे, ए ई आ गया, ए ई होगा बेटा, दुखी क्यों हो रहे हैं, अब है सही तो है आपका आंसर, ठीक है ए ई हो गया ना आंसर, बहुत अच्छे। पीडीएफ बेटा ले लेना क्वेश्चंस का, बिना आंसर के मिलेगा, क्योंकि पढ़ा है ना, जूम आउट जूम इन करने पर पीडीएफ, अगर इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो सही नहीं आएगा, पूरा ही पीडीएफ क्वेश्चन वाला देंगे, उसमें आंसर नहीं होंगे, हो सकता है आंसर शीट अलग से दे देंगे, अगर आपको चाहिएगी तो आंसर शीट अलग से दे देंगे, बाकी आप यहाँ कर ही रहे हैं इनको। फिर से देखिए आगे क्या पूछा है, और जूम कर देते हैं लो, वो तो सब आपको पता चली गया कौन सा चीज किसे दर्शा रहा है, ये तो आप समझ ही गए थे ना, या लिखे इस चीज को भी लिख देते हैं हम साइड में, लिख देते हैं यहाँ पर किस किस को क्या क्या दर्शाया गया बच्चे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, छोटा त्रिभुज दर्शा रहा है बेटा शिक्षक को, एक बार दिखा दें इसे भी ताकि हम लिख सके साइड में, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, साइड में बना दे रहा हूँ डायग्राम छोटे छोटे, कह रहा है छोटा वाला त्रिभुज दर्शा रहा है किसे बच्चे, शिक्षक को दर्शा रहा है, शिक्षक को, ठीक है बार बार ही लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर हटा के नीचे दिखाना है। इसके बाद बड़ा वाला जो त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज ये दर्शा रहा है, बड़ा त्रिभुज राजनीति वाले इंसान को, राजनीतिज्ञ को, राजनीतिज्ञ को। इसके बाद बेटा व्रत है, व्रत दर्शा रहा है स्नातक को, स्नातक को। और आपके पास क्या है यहाँ पर, और बेटा आपका यहाँ पर आयत है, आयत दर्शा रहा है सांसद को, आयत दर्शा रहा है किसको, सांसद को। ये चीज क्वेश्चन में लिखी थी, अब इसको ले जाओ ऊपर, एक मिनट, यस ये दिखा दिया हमने, चलिए बहुत बढ़िया, आप कीजिए इसका आंसर, इसका आंसर कीजिए बच्चे, आप क्वेश्चन पढ़िए क्या है, क्वेश्चन पढ़िए क्या है, क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन पढ़िए, उपरोक्त तारीख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्नातक राजनीतिज्ञ को दर्शाते हैं लेकिन सांसद को नहीं, सांसद की मना कर दिया तो आयत वाले पार्ट को छोड़ देंगे, इस आयत के अंदर जो जो नंबर आ रहे हैं बेटा, जो जो लेटर आ रहे हैं इनको छोड़ देंगे, आयत के अंदर वाला नहीं लेना आपको, क्योंकि इसकी मना कर दिया इन्होंने कि सांसद को नहीं दर्शाएगा, यानी एच जी और एफ इनमें से आंसर नहीं होगा। अब किसकी बात कर रहा है फिर बेटा, बात कर रहा है स्नातक यानी व्रत वाला पार्ट, व्रत वाला पार्ट देखिए, व्रत वाला पार्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पर आपके सामने मैं इधर लिख दे रहा हूँ, क्या मैंने लिखा यहाँ पर, क्या सबसे पहले आपसे कह रहा था स्नातक, तो आप खुद बताइए अब स्नातक के अंदर कौन कौन से नंबर बचेंगे, स्नातक मतलब हो गया व्रत वाला पार्ट, इस व्रत के अंदर कौन से बचेंगे इसको छोड़ करके, तो एक तो आपका दिख रहा है व्रत के अंदर सी है, बी है, और बेटा क्या आपका ए है, सी है, बी है और ए है, ये तीन ही तो बचे स्नातक वाले पार्ट में। आगे और क्या कह रहा था, आगे कह रहा है राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ क्या था, राजनीतिज्ञ था बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज ये वाला है, ये वाला बड़े त्रिभुज में इसको छोड़ के कौन सा बचा, सी बचा और बी बचा, ठीक है इस छोटे वाले आयत को छोड़ के ये सी और बी बचा, बी और सी किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा राजनीति वाले में, ठीक है राजनीतिज्ञ में कौन आ जाएगा बच्चे, इसमें आ जाएगा क्या क्या आपका, सी आ गया और बी आ गया, बी। आगे किसकी बात कर रहा था, और कुछ था क्या, और कुछ था, स्नातक राजनीतिज्ञ को दर्शाता लेकिन सांसद को नहीं, तो स्नातक मतलब था बेटा यहाँ पर, स्नातक मतलब व्रत, व्रत में हमने देखा व्रत में इस आयत को छोड़कर सी आ रहा था, बी आ रहा था, ए आ रहा था, सी आ रहा था, बी आ रहा था, ए आ रहा था। राजनीति में देखा, राजनीति किसको दर्शा रहा है, बड़े वाले त्रिभुज को, बड़ा त्रिभुज ये है, इसमें क्या क्या आ रहा है बेटा, इसमें आ रहा था आपका देख लीजिए व्रत वाले भाग के अंदर बी और सी है सिर्फ, ठीक है बी और सी, तो बी सी हो गया आंसर, आंसर क्या आएगा, बी सी बेटा, बी और सी आएगा ना, बहुत अच्छे। अब इसका देखिए ऑप्शन, ऑप्शन देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या है, बी सी आएगा, बी और सी बेटा, बी और सी आएगा आपको, अगर यहाँ दिखाई दे रहा हो तो आपका पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यहाँ पर, बी और सी, ठीक है ए भी नहीं बेटा, बी और सी होगा, ए भी कैसे हो जाएगा, ए भी नहीं होगा, ए तो केवल व्रत में, त्रिभुज में कहाँ पर है बेटा, त्रिभुज में नहीं है ना, त्रिभुज में नहीं है, ठीक है यहाँ पर या शब्द का यूज नहीं किया उसने, स्नातक और राजनीति दोनों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर केवल बी और सी है, ठीक है हाँ ऑप्शन को देखें आप, ऑप्शन पहला ही हो गया करेक्ट, ठीक है आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बी सी होगा, बहुत बढ़िया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, वही चीज फिर से वही चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अब तक तो याद हो गया होगा, छोटा त्रिभुज यहाँ लिख दे बेटा, छोटा वाला त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज किसे दर्शा रहा है, छोटा त्रिभुज दर्शा रहा है शिक्षक को, शिक्षक को, बड़ा वाला त्रिभुज दर्शा रहा है राजनीति को, राजनीतिज्ञ को, ठीक है राजनीतिज्ञ को। इसके बाद व्रत दर्शा रहा है स्नातक को, स्नातक को बेटा। और आपके पास क्या है यहाँ पर, और आपके पास आयत है, आयत, आयत दर्शा रहा है सांसद को,
आयत दर्शा रहा है सांसद को, सांसद को। अब आपको यहाँ पर आंसर बताना है, आंसर क्या होगा इसका, थोड़ा जूम कर लें क्वेश्चन को, ठीक है, डायग्राम पर जूम कर देते हैं। ये लीजिए, चलिए अब आंसर कीजिए, ठीक है, मैंने यहां लिख दिया साइड में, अब आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। नित्य ठाकुर बेटा आप लेट आए क्या, समझ नहीं आया? नीपेंद्र कुमार, बहुत बच्चे कह रहे हैं समझ नहीं आया। सर टीचर में भी सी है, मैं पीछे देखता हूं। देखिए इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि आप, यहाँ पर बोला था आपसे स्नातक और राजनीति की बात कर रहा है, सांसद की नहीं, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप बोल रहे हैं टीचर के बारे में, बेटा शिक्षक की बोल रहे हैं, लेकिन शिक्षक का तो कहा ही नहीं, शिक्षक नहीं होना चाहिए, उसने ऐसा नहीं कहा ना, शिक्षक नहीं होना चाहिए तो सी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर कहते था शिक्षक नहीं होना चाहिए तब तो सी नहीं आता, केवल बी रहता। यहाँ पर कहा था स्नातक और राजनीति होने चाहिए, लेकिन सांसद नहीं, सांसद नहीं का मतलब ये आयत में नहीं आना चाहिए। तो व्रत देखना है आपको, व्रत देखना है और त्रिभुज देखना है छोटा वाला, तो देख ये बड़ा वाला, बड़ा त्रिभुज देखा, व्रत देखा, इसमें आपका सी और बी आ रहा है, भले ही छोटे त्रिभुज में था सी, लेकिन बच्चे यहाँ पर मना नहीं किया शिक्षक की, ठीक है, इसीलिए आगे चलिए इसको। हाँ शिक्षक में है उत्तम वर्मा, लेकिन शिक्षक की मना नहीं किया क्वेश्चन में, इसीलिए सही था वो सही था बेटा। इसका बताइए आप, इसका इसमें क्या बोला है, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उन राजनीति, उन राज, अरे यार ठीक है, आंसर करेंगे इसका, क्या लिखा है यहां पर, उन राजनीतिज्ञ को दर्शाते हैं जो ना ही शिक्षक है और ना ही स्नातक है। तो शिक्षक और स्नातक वाला पाठ हटा दो, एक तो व्रत वाला पार्ट, ये वाला व्रत वाला पार्ट स्नातक का हो गया, ये नहीं आना चाहिए इसमें। दूसरा बेटा आपसे कह रहा है शिक्षक मतलब छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला भी पार्ट नहीं आना चाहिए, तो इसके अंदर जितने अक्षर थे वो नहीं आने चाहिए, क्या क्या, सी बी एफ जी ए डी ई, ये सब नहीं आने चाहिए, बच क्या गया, इन दोनों को छोड़ के अगर आप देख पा रहे हो केवल एल बचा और एच बचा, एल और एच ही तो बचा, लेकिन साथ में क्या बोला यहाँ पर, राजनीतिज्ञ की बात कर रहा है, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ क्या है यहाँ पर, त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, तो बड़ा वाला त्रिभुज देखिए आप, बड़ा त्रिभुज अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये है बड़ा वाला त्रिभुज, ये बेटा बड़ा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज, तो आप इस बड़े त्रिभुज में अब ऐसे कौन से नंबर बचे जो व्रत में नहीं होने चाहिए और छोटे त्रिभुज में नहीं होने चाहिए। तो एक तो आपको यहाँ पर एच दिखाई दे रहा है एच, और एक इधर एल दिखाई दे रहा है, केवल एच और एल है, ऐसे केवल बेटा एच है आपके पास और एल है, दो ही तो है केवल, एल और एच, समझ पा रहे, एल और एच है, बहुत अच्छे, एल और एच होंगे बच्चे, एल और एच, देख लीजिए आप लोग, आपसे क्या बोला है, बोला ना शिक्षक हो, शिक्षक मतलब छोटा त्रिभुज जो है ये नहीं होने चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, ना ही स्नातक यानी व्रत भी नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों के अंदर जो आ रहे हैं वो नहीं होंगे। और बाकी कह रहा है आपसे कि यहाँ पर राजनीतिज्ञ बताओ, यानी राजनीतिज्ञ मतलब बड़े त्रिभुज वाले के अंदर बताओ जो व्रत और छोटे त्रिभुज के अंदर नहीं आते हो, तो एल और एच है, सिंपल सबको दिखाई दे रहा है, एल और एच है बच्चे, एल और एच, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एल और एच है, ऑप्शन है आपका डी, एल और एच है, एल और एच, एल और एच है बेटा, बहुत अच्छे, एल एच करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका लास्ट वाला ऑप्शन हो गया एल एच, लास्ट ऑप्शन हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इसी डायग्राम पर आधारित है, सेम इसी पर आधारित है, मैं लिख देता हूं, पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या किसको दर्शा रहा है। यहाँ पर छोटा वाला त्रिभुज दर्शा रहा है बेटा, छोटा त्रिभुज, छोटा जो त्रिभुज है दर्शा रहा है किसको, शिक्षक को, थोड़ा नीचे से लिखते हैं इसको, जूम करेंगे ना, छोटा त्रिभुज जो है ये दर्शा रहा है किसको, शिक्षक को, अभी इसी पर आधारित चार पांच क्वेश्चन है आपके, शिक्षक को, बड़ा वाला त्रिभुज दर्शा रहा है राजनीतिज्ञ को, राजनीतिज्ञ को, व्रत दर्शा रहा है स्नातक को, स्नातक, स्नातक को, और बेटा इसके बाद आपका लास्ट है आयत, ये दर्शा रहा है सांसद को, ये दर्शा रहा है सांसद को, ठीक है। अब मैं जूम कर देता हूं इसको, अब आप लोग समझिएगा, चलिए थोड़ा कम कर दें, इतने पर तो दिख जाएगा, हाँ इतना तो दिख रहा होगा सबको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये है आपके सामने, चलिए थोड़ा सा और फास्ट चलते हैं, देखिए सामने क्या कह रहा है, उपरोक्त आरेख के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, कौन सा क्षेत्र है बेटा जो उन, आपसे बोला है क्या,
जो उन सांसद सांसद को दर्शाता जो स्नातक भी हैं और शिक्षक भी हैं, यानी तीनों चीज आने चाहिए आपके। अब सांसद मतलब क्या हो गया आपका, आयत आना चाहिए, आयत आयत के अंदर होना चाहिए, आयत देखिए आयत क्या है, आयत ये हो गया ये, तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा इन तीन अक्षर में से एक होगा, एफ है, जी है और एच है, आयत केंद्रित आ रहा है, एफ आ रहा है, जी आ रहा है और एच आ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, उन सांसद को दर्शाना, तो इन्हीं को देखिए। अब ये तीनों अक्षर आपको स्नातक में देखने, स्नातक मतलब व्रत में देखो, इनमें व्रत में इनमें से कौन सा आ रहा है, व्रत में देखा तो एच आपका हट गया, इसमें से एच नहीं आएगा, एच हट गया क्योंकि एच आपका व्रत में नहीं था, ठीक है। हमें पता चल गया व्रत में क्या क्या था, बाकी सब थे, यानी कि आपका जी और एच था, जी था एच नहीं था सॉरी, व्रत में जी था आपके पास और एफ था, जी और एफ था व्रत में। यहाँ ये बोला था बेटा आपसे सांसद होने चाहिए, सांसद मतलब आप आयत, आयत आपने देखा यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें एफ आ रहा है, जी आ रहा है, एच आ रहा है, एफ जी और एच आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है स्नातक, स्नातक मतलब व्रत, तो व्रत वाला भाग देखा आपने, तो इसमें व्रत से बाहर हो गया एच, तो आपके आंसर से बाहर हो जाएगा एच। आगे क्या बोला था, शिक्षक यानी छोटा वाला त्रिभुज। अब छोटे वाले त्रिभुज को अगर आप देख पा रहे होंगे तो छोटे वाले त्रिभुज में जी भी नहीं आ रहा आपका, छोटे वाले त्रिभुज में जी भी नहीं आ रहा, केवल एफ बच गया, तो आंसर इसका एफ हो जाएगा, एफ आंसर इसका एफ हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे सबने भर दिए कमेंट्स, बहुत बढ़िया बेटा, ऑप्शन बी हो गया इसका एफ आंसर, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जल्दी जल्दी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर नया क्वेश्चन है, अगला वाला यहाँ नया क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्या बोला है, यहाँ पर बोला है निम्नलिखित आरेख में आयत, बेटा आयत व्रत और त्रिभुज चार चीज है, क्या क्या है आपके पास, आयत है, आयत है बच्चे, और क्या आपके पास, और बेटा वर्ग है, आयत है, आयत के जस्ट बाद क्या वर्ग है, वर्ग वर्ग है आपके पास, वर्ग और क्या है आपके पास, और बेटा व्रत है आपके पास और एक त्रिभुज है, ये चार चीज है, कौन सा किस किस को दर्शा रहा है। तो यहाँ बोला गया है आपसे क्रम से, पहला गेहूं को दर्शा रहा है, पहला दर्शा रहा है गेहूं को, गेहूं हो गया, दूसरा दर्शा रहा है चना, चना ठीक है, तीसरा दर्शा रहा है बेटा किसको, बाजरा, तीसरा दर्शा रहा है बाजरा को, चौथा दर्शा रहा है चावल को, चावल को दर्शा रहा है चौथा जो त्रिभुज है चावल को, ये है। अब आप यहाँ पर देखिए कौन सा क्षेत्र चारों फसलों की उपज वाला है, चारों फसलों में जो कॉमन है वो बताना है, ठीक है, एक एक करके देखते चलिए। देखिए ध्यान से, आपने यहाँ पर पहले त्रिभुज खींचा, त्रिभुज, अब त्रिभुज के अंदर देखो क्या क्या रहे, तो अकेला एक था इसे तो हटाई दो, दो है, आठ है, और देखिए क्या क्या है, दो है बेटा आपके सामने त्रिभुज में, और क्या है, सात है, आठ है, नौ है, यही तो थे इस त्रिभुज में, आपने देखा एक तो बाहर कर दो, अकेला था, दो आठ सात नौ, दो आठ दो सात आठ नौ, एक ही कह दो, ठीक है, ये थे। अब आपको देखना चारों में आना चाहिए। अब इसमें से देखो व्रत में कौन कौन से आ रहे हैं, अगर आपने व्रत देखा इस व्रत में बेटा ये चारों के चारों आ रहे हैं, दो भी आ रहा है, आठ भी आ रहा है, सात भी, नौ भी, चारों, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपने क्या देखा, इसके बाद देखा आपने ये नीचे वाला वर्ग, वर्ग देखो, वर्ग अब कौन कौन से आ रहे हैं वर्ग में, इस वर्ग में इन चारों में से सात और नौ आ रहे हैं, यानी आठ और दो हो गए बाहर, इस वर्ग से बाहर हो गए आठ और दो, आठ काट दिया, दो काट दिया, अब सात और नौ बचे। इसके बाद आपने देखा ये वाला, अब ये देखा आपने ये आयत देखा, तो आयत में अब बेटा नौ भी बाहर हो गया, केवल सात बचा, नौ भी बाहर हो गया, केवल बचा सात, ऑप्शन ए हो गया सात। मेरी बात समझ आ रही है, बड़ी स्पीड से कर रहे हैं भाई, क्या बात है, हमसे भी पहले रिप्लाई कर दे रहे हैं आप सब, सात होगा। आप हटाते चलिए ऑप्शन को, आपसे चारों फसल की बात की थी, आप एक तरफ से शुरू कीजिए, आपने सबसे पहले इस त्रिभुज से शुरुआत की और इस त्रिभुज के अंदर जो जो नंबर आ रहे थे पहले वो लिख लिए, आपने देखा इसके अंदर एक तो बाहर हटा दो, दो आठ सात नौ आ रहे थे, हमने लिखा दो सात आठ नौ, ये लिख दिए। अब अगला व्रत खींचो और हटाते जाओ, आपने व्रत खींचा, व्रत में बेटा व्रत में भी ये चार नंबर आ रहे हैं अंदर ही, तो इसमें भी अभी नहीं हटाया। फिर हमने ये नीचे वर्ग खींचा, अब जैसे हमने वर्ग खींचा हमें पता चल गया दो और आठ इस वर्ग से बाहर है, तो केवल सात नौ बचे, दो और आठ काट दिया, केवल सात नौ बचे। अब हमने फिर ये वाला आयत खींचा, जैसे ही आयत खींचा हमें पता चल गया इस आयत में अब आपका नौ भी बाहर हो गया, केवल क्या बचा रह गया आठ बचा, केवल सात सॉरी ये बाहर हो गया आपका, ये तो कट गया था पहले ही, आठ बाहर ये हो गया, सात बचा सिर्फ सात, ठीक है, क्योंकि आठ तो पहले ही बाहर हो गया था, सात रह गया था। अच्छा ये जी था, चलिए अगला देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से नेक्स्ट, ठीक है, बस पांच दस मिनट और कर रहे हैं क्वेश्चन, उसके बाद खत्म कर देंगे सेशन को। हाँ कोई बात नहीं, देखिए बोला है निम्नलिखित आरेख में आयत त्रिभुज वर्ग, वही चीज है बेटा, फिर से बोल दे रहे हैं हम, क्या क्या आयत किसको दर्शा रहा है, जल्दी से मैं लिखता हूँ, आप रिप्लाई करना, मैं इतना लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है, इतना मैं लिख देता हूँ, आप रिप्लाई करना। पहला आयत है, आयत, दूसरा वर्ग है, वर्ग, तीसरा बेटा क्या है, तीसरा, तीसरा व्रत है, और चौथा त्रिभुज है, ठीक है। पहला किसको दर्शा रहा है, पहला गेहूं को,
पहला गेहूं को मैं लिख रहा हूं, आप रिप्लाई करना गेहूं को। दूसरा दर्शा रहा है बच्चे चना, दूसरा चना दर्शा रहा है, तीसरा दर्शा रहा है बेटा बाजरा, तीसरा बाजरा, और चौथा दर्शा रहा है चौथा किसको, चावल को, चावल। अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िए, आपसे बोला है किस क्षेत्र में केवल गेहूं और बाजरे की उपज है, केवल गेहूं बाजरा, बाकी और नहीं लेना आपको, केवल गेहूं और बाजरा देखना है, केवल वर्ड लगा दिया ना तो गेहूं और बाजरा देखना है। गेहूं था आयत में, गेहूं था आयत में, ये हो गया आयत, इसी में तो है गेहूं, अरे भाई बोल रहा है ना आयत गेहूं को दर्शा रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है आपसे, दूसरा यहाँ पर आपसे बोला गेहूं और बाजरा, बाजरा किस में है, बाजरा है व्रत में, व्रत ये वाला है, व्रत आपका ये वाला है, ये वाला, ये हो गया व्रत। अब इन दोनों में कॉमन नंबर देखो, जो व्रत में भी है इसमें भी, तो आप देख रहे हैं इसमें क्या था, इस आयत में क्या था आपका, चार आठ सात छह, क्या था बेटा, चार था आठ था सात था और छह था, यही तो थे इस आयत में, चार था आठ था सात था छह था, और व्रत के अंदर भी ये थे। लेकिन अब इसमें से वो सब हटा देने आपको जो आपके वर्ग और त्रिभुज में आ रहा है, केवल की बात कर रहा है, तो इस वर्ग और त्रिभुज में देखिए आपने जैसे वर्ग खींचा, इसमें से कितने बाहर हो गए, वर्ग खींचते ही जैसे बच्चे आपने ये वर्ग यहाँ पर खींचा तो इसमें देखो कितने बाहर हो गए, केवल आपका दो आठ चार और आठ बचा, केवल चार और आठ बचा, सात बाहर हो गया, छह बाहर, क्योंकि छह और सात इसमें आ गए ना ग्रीन वाले में, इनको हटा दिया यहाँ से। ऐसे ही अगली किसमें से हटाएंगे आप, अब आप इस त्रिभुज को देखेंगे, इसको ग्रीन वाले इसमें से भी हटा दीजिए, यहाँ से आठ भी हट गया, यहाँ से अब आपका आठ भी हट गया, बचा क्या, केवल चार बचा, जो कि राइट आंसर होगा, केवल चार राइट आंसर होगा, चार चार होगा ना बेटा, बहुत अच्छे चार होगा, यही बस यही करना है आपको, गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इसी पर आधारित है, फिर से वही बात बोल रहा है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन फिर से है, आपसे कह दिया आयत है, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए बच्चे, जल्दी कीजिए, आयत है आयत है, आयत को बोल रहा है क्या यहाँ पर, गेहूं, आयत को बोला है गेहूं, इसके बाद आयत के बाद क्या है, वर्ग है वर्ग, और वर्ग को बोला गया यहाँ पर बेटा गेहूं, के बाद चना बोला है चना, वर्ग के बाद क्या है फिर आपका, व्रत है व्रत, व्रत को बोला है बाजरा बाजरा, इसके जस्ट बाद क्या है आपके पास, इसके जस्ट बाद है चावल, और चावल को बोला है क्या, त्रिभुज, त्रिभुज है बेटा त्रिभुज, और इसको बोल दिया चावल, इसको चावल बोला गया है। अब आंसर कीजिए जल्दी, देखिए क्या बोला है यहाँ पर, किस क्षेत्र में केवल चावल की उपज है, चावल किस में, त्रिभुज में, तो आपको त्रिभुज लेना है, और त्रिभुज लेना है बाकी कोई और नहीं लेना। अगर केवल चावल की बात कर रहा है तो देखो केवल एक अकेला ऐसा जो चावल में आ रहा है, बाकी सभी और सब में भी शामिल है, तो ऑप्शन बहुत सिंपल था, ये तो सिंपल था, ठीक है ये तो सिंपल था, एग्जाम में आपको ये सब लिखना नहीं है, वहां तो आपको क्वेश्चन सामने रहेगा, सीधे देखना डायरेक्टली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कीजिए, इसको भी कीजिए, मैं इधर बना रहा हूं आप आंसर करना, ठीक है। आयत है पहले, फिर वर्ग है, वर्ग है फिर आपके पास व्रत है, फिर त्रिभुज है, खेती किस किस की है बेटा, खेती गेहूं है, दूसरा चना है, तीसरा बाजरा है, और चौथा आपके पास चावल है, ये सब है। अब इसमें क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, किस क्षेत्र में केवल बाजरे की उपज है, बाजरा यानी केवल व्रत हो, बाकी कोई और ना हो, सामने देख के पता चल गया होगा, केवल व्रत में तीन आ रहा है, बाकी सबके साथ मिक्स है, केवल तीन हो गया, तीन, क्या बात है, बहुत अच्छे, बस यही चाहिए, जल्दी अगला चलते हैं, अगला नेक्स्ट, तीन हो गया, ठीक है, केवल तीन अकेला इसी में तो है, बाजरा मतलब केवल व्रत में तीन है, बाकी सब तो मिक्स थे, तीन आ रहा अकेला। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं फिर से बना रहा हूँ वही डायग्राम, यानी पहले हमने क्या बनाया, पहले बोल रहा है आयत, यस आयत हो गया सर, फिर वर्ग हो गया, फिर सर त्रिभुज हो, व्रत हो गया, त्रिभुज हो गया, खेती किस किस की है, आप आंसर करना इतना, आयत की, आयत में बोल रहा है क्या है, आयत में गेहूं है, गेहूं के बाद चना है, चना के बाद बेटा बाजरा है, और बाजरा के बाद चावल है, ये सब खेती है चावल। चलिए अब इसका आंसर करिए, क्या कह रहा है, किस क्षेत्र में चावल और बाजरे के अलावा किसी और फसल की उपज नहीं होती, यानी केवल चावल और बाजरे की होती है, चावल मतलब त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज ये हो गया चावल का क्षेत्र, ठीक है चावल वाला, और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा यहाँ पर बोला चावल और बाजरा है व्रत वाला क्षेत्र ये, तो केवल इन दोनों में आए, बाकी किसी और में नहीं आए, तो केवल इन दोनों में दो आ रहा है, केवल दो आ रहा है, क्योंकि दो के अलावा बाकी तो सबके साथ मिक्स है,
अरे वाह, मजा ही आ गया आज तो रिप्लाई देख के। हमसे पहले आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे। देखिए अब यहाँ पर नया क्वेश्चन है ये, तो मुझे लगता है आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ अब, ठीक है? आप सब स्कॉलर्स हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये क्वेश्चन से कुछ नहीं करना, मैं बाकी होमवर्क में दूंगा, ठीक है? मैं आपको होमवर्क में दूंगा और क्वेश्चन बेटा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा फिर। ये पीडीएफ बेटा जरूर ले लेना, सभी लोग इस पीडीएफ को ले लेना। सारे क्वेश्चन जेई लेवल के हैं, ये सब क्वेश्चन है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहे, इनके क्वेश्चन बदल रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन बदल रहे हैं, आप सोचे वहीं के वहीं आ जा रहा है। ये सिंगल वाले तो कर ही लो, ये तो सिंगल वाले हैं मुझे लगता है, क्वेश्चन नंबर के साथ नहीं है ये। चलिए कर लीजिएगा, कल ही करेंगे ना, है ना? एक और सेशन ले लेंगे, बाकी आप कर लेंगे। मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई हैं, आप कर पाएंगे इन सबको। उन डायग्राम के क्वेश्चन है, पीछे वाले डायग्राम के, ये सब इन्हें करके देखना बेटा। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सभी बच्चे कर पाएंगे। यहाँ तक थे टोटल क्वेश्चन, ये लगभग 40-45 क्वेश्चन थे, ठीक है? हाँ, इतना ही रखेंगे आज के लेक्चर में, और अधिक नहीं करेंगे इसमें। होमवर्क कर लेना आप, मैं पीडीएफ आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा बच्चे, ठीक है? सबको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। चलिए बहुत अच्छे। हाँ, कोशिश करना, तो कल को हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ बिल्कुल अभी डाल देंगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग, ठीक है? जीटेक पॉली का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। अच्छा, जोक की डिमांड होने लगी। जोक, शुभम का रिप्लाई आया, जोक सुनेंगे। मजा आ गया क्वेश्चन करके। हाँ जोक सुनना चाहते हैं, कौन सा जोक सुनाए बताइए, कौन सुनाएगा जोक? सुन लीजिए, एक जोक सुनाया आपको, एक अजय देवगन की मूवी है ना, आपने सुनी है? एक अजय देवगन की मूवी सुनी है आपने, जिसका नाम है आई थिंक दिल जले नाम है, जिसमें कहते हैं हमें तो अपनों ने लूटा, उसी के ऊपर एक जोक बना है, उसको सुनाते हैं, उसी के ऊपर है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, और सिर्फ जोक है प्लीज, है ना, माइंड मत करना कोई भी बच्चे, हम स्टार्टिंग में इस बात को बोल देते हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। सुनने ध्यान से, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी हड्डी ही वहां टूटी जहां अस्पताल बंद था, मुझे एम्बुलेंस में लिटाया उसमें पेट्रोल कम था, मुझे रिक्शे पर बिठाया उसका किराया कम था, मुझे डॉक्टर ने उठाया नर्सों में कहाँ दम था, और मुझे उस बेड पर लिटाया जिसके नीचे बम था, अरे हमें तो बम ने मारा इन गोलियों में कहाँ दम था। मजा आ गया। बेटा पढ़ रहे हैं सभी के चैट, पढ़ रहे हैं। आपका नाम थोड़ा अजीब था ना, छेदी सिंह, इसलिए नहीं पढ़े थे आपका कमेंट। कोई बात नहीं, सबका नाम सही है, कोई बात नहीं, ठीक है? चलिए इतना रखते हैं आज का जोक यहीं तक, और बाकी याद दिला दिया करें, कई बार भूल जाते हैं जोक के लिए, बहुत सारे याद रहते हैं बीच बीच में, तो सुनाते रहेंगे आप सबको। मिलेंगे बेटा कल बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए अपना, और जुड़े रहिए जीटेक पॉली के साथ। बाय बाय, टेक केयर।